बैचेस नहीं है तो इसलिए आप इसका पूरा फायदा उठाएं। जब ज्यादा क्राउड हो जाएगी तो ये शायद फायदा आप उठाने के स्थिति में ना रहे, क्योंकि जब ज्यादा क्राउडेड बैचेस होती हैं तो उसमें इंडिविजुअल सवाल नहीं पूछ सकते। खैर ये सब तो जनरल बातें, मैं सीधे टॉपिक पे आऊंगा। आपको सिलेबस का पता है? जी सर। इंटरनेशनल रिलेशंस जो है पेपर टू का क्या नाम है? कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और पेपर वन में वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास, तो इंटरनेशनल रिलेशंस और वर्ल्ड हिस्ट्री ये साथ मिला के पढ़ने पर ही समझ में आएगा। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राष्ट्र शब्द आ रहा है। राष्ट्र सभी लोगों ने सुना होगा, 125 करोड़ भारतीय सुना होगा। तो राष्ट्र का क्या मतलब होता है? क्या राष्ट्र का मतलब राज्य है? Whether nation and state are same? Is, अगर मैं लिख दूं कि नेशन, then state, हिंदी में ये राष्ट्र, ये है राज्य, सोसाइटी समाज, गवर्नमेंट दैट इज सरकार, क्या सब एक ही चीज है? इन शब्दों का प्रयोग आपने जरूर किया होगा और जानते भी होंगे आंशिक रूप से। लेकिन जब हम लोग अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ रहे हैं तो राष्ट्र क्या होता है ये पता होना चाहिए। क्या राष्ट्र अशोक के समय में, क्या राष्ट्र अकबर के समय में भी था? क्या राष्ट्र की अवधारणा आधुनिक है या प्राचीन है या मध्यकालीन है? राष्ट्र शब्द का मूल शब्द क्या है? किस मूल शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है? What is the root word of nation? Unless these things are clear, you cannot move. अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ रहे हैं IR, आपको राष्ट्र पता ही नहीं तो कैसे पढ़ेंगे? अंतरराष्ट्रीय संबंध होता क्या है पहले तो ये चीजें जाने, बिना ABCD पढ़े सेंटेंस बनाने वाली बात हो जाएगी। हाँ, तो बताएं ना, what is nation? What is the root word of nation? राष्ट्र किसे कहते हैं? क्या ये प्राचीन अवधारणा है, मध्यकालीन अवधारणा है या आधुनिक अवधारणा है? बताइए, मेरे समझ से सभी लोग राष्ट्र शब्द सुने होंगे, होते ना हमारा भारत राष्ट्र, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, हमारा भारत महान, निश्चित रूप से आप लोगों ने सुना होगा। तो बच्चे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे वो भी जानते हैं। तो व्हाट इज द रूट वर्ड ऑफ नेशन बिफोर गोइंग टू IR दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस, यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज नेशन, व्हाट इज द रूट वर्ड ऑफ नेशन। एनीवन, राष्ट्र क्या होता है बताइए, व्हाट इज नेशन? First of all, you must be knowing that the root word of nation is natio, which is a Latin word. Natio का मतलब होता है racial group, नस्लीय समूह। नस्लीय समूह यानी एक नस्ल के लोग जिनमें एक होने का बोध होता है। The nation, the root word is natio, which is a Latin word, which means racial group, the members of which is having feeling of oneness. एक होने का बोध। आप groups के बारे में पढ़ते हैं politics में या political studies में या IR में। एक जाति होने के कारण एक होने का बोध भी होता है, एक class होने के कारण एक होने का भी बोध होता है, एक राष्ट्र के होने के कारण भी एक होने का बोध होता है, एक धर्म में होने के कारण भी एक होने का बोध होता है, एक व्यवसाय होने के कारण भी एक होने का बोध होता है, होता है मजदूर एकता जिंदाबाद सुना? तो वहां पे एक होने का बोध का आधार क्या है? ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। जब
जाति के आधार पे आपने सुना होगा ब्राह्मण महासभा, जाट महासभा, तो वहां एक जाति के एक होने का एक होने का बोध होता है, या धर्म के आधार पे हिंदू समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग, या राष्ट्र के नाम पे भी एक होने का बोध होता है। हम भारत के लोग अमेरिका से अलग है, होता है। दीज आर ग्रुप एक्टिविटीज, सो ग्रुप नेशन इज ऑल्सो ए ग्रुप, इज इट नॉट? राष्ट्र भी एक समूह है, नस्लीय समूह। शुरुआत में ये नस्लीय समूह था, क्योंकि राष्ट्र राज्य सबसे पहले पश्चिमी यूरोपीय देशों में बने। पश्चिमी यूरोपीय देश जैसे इंग्लैंड हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, फ्रांस हो गया, जहां आधुनिकता पहले आएगी वहां राष्ट्र राज्य पहले बनेंगे, बड़े राष्ट्र राज्य। मध्यकाल यूरोप का जो 500 से 1200 एडी तक जो काल है यूरोप का, दैट इज कॉल्ड फ्यूडल एज ऑफ यूरोप, डार्क एज ऑफ यूरोप, अंधकार का युग। यूरोप के देश में बड़े राष्ट्र राज्य नहीं थे, आधुनिकता नहीं थी, और इंग्लैंड में छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ था, फ्रांस भी छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, राजा और जनता के बीच में किंग और जनता के बीच में फ्यूडल इंटरमीडियरीज थे, सामंत थे। सामंत जानते हैं? मध्यस्थ, बिचौलिए। राजा और जनता के बीच में जब बिचौलिए थे, राजा को इन पर निर्भर होना था, दूर दराज के क्षेत्रों से टैक्स वसूल करने के लिए। कई बार राजा के खिलाफ विद्रोह कर देते थे, राजा कमजोर था, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन था, लंबी दूरी का व्यापार नहीं था, ठीक है, और राजा कमजोर था क्योंकि टैक्स जो पहुंचेगा लीक करके पहुंचेगा, पूरी जनता कर से एक राजा के लग्जरी को तो फाइनेंस कर सकती है, लेकिन इतने सारे इंटरमीडियरीज को नहीं कर सकती। तो जब लंबी दूरी का व्यापार नहीं होगा, टुकड़े टुकड़े में बटे होंगे, यहाँ अलग चुंगी, यहाँ अलग कानून, यहाँ तो संपन्नता नहीं होगी। अगर संपन्नता आनी है, संपन्नता यानी प्रॉस्पेरिटी, तो इस पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन के जगह पे यूनिफिकेशन होना होगा, राष्ट्र राज्य बनना पड़ेगा, तभी लंबी दूरी का व्यापार होगा। ये मध्यस्थों की भूमिका खत्म करनी पड़ेगी, और राजा, मजबूत राजा के नेतृत्व में पॉलिटिकल यूनिफिकेशन होगा, और उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, फिर ओवरसीज ट्रेड, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब लंबी दूरी का व्यापार होगा तभी संपन्नता आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, यानी तो ये आधुनिकता में, आधुनिकता का क्या मतलब होता है, व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन, व्हाट इज मॉडर्न, ना मॉडर्न इंडिया, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकता, आधुनिकीकरण क्या होता है? रिसेंट समय चल रहा हो उसको आधुनिक कहेंगे। रिसेंट समय में तो मोदी है और राहुल गांधी है, वो आधुनिक है, राजा राममोहन रॉय है, ठीक है। इसमें मैं आपको क्रॉस ये करूंगा, रिबटल दूंगा, ताकि आपको याद रहे, जिस चीज में आप कोई भी कंटेंशन आप रखते हैं उसका रिबटल होता है तो याद रहते हैं। तो आधुनिकता का आधार है तीन, पहला रैशनलिटी, तार्किकता, दूसरा है वैज्ञानिक सोच, और तीसरा है मानवतावाद। राष्ट्र एक आधुनिक अवधारणा है, एक समूह है जिसके सदस्यों में एक होने का बोध है, एक लाइन। व्हाट इज नेशन? नेशन इज अ ग्रुप of persons, the members of which having feeling of oneness and having root word nation, that is racial, and it is a modern concept. So, राष्ट्र, हमें सबसे पहले राष्ट्र को समझना पड़ेगा। अगर राष्ट्र ही नहीं समझ में आया तो अंतरराष्ट्रीय संबंध कैसे पढ़ेगा? अंतरराष्ट्रीय यानी राष्ट्रों के बीच का संबंध,
नेशन इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट, और मॉडर्न किसको मॉडर्न कहेंगे, आधुनिक या आधुनिक नहीं, आधुनिक नहीं, आधुनिकता किसको कहेंगे, भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति कौन है, हु इज कॉल्ड फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, बिल्कुल राजा राम मोहन। क्यों क्यों राजा राम मोहन, बिल्कुल सही है, देखिए हाँ बिल्कुल, कि जो फर्स्ट मॉडर्न मैन 19th सेंचुरी में भारत का सामाजिक धार्मिक सुधार स्टार्ट, अब इसको सामाजिक सुधार क्यों नहीं कहते, सामाजिक धार्मिक सुधार क्यों कहते, क्योंकि अधिकतर सामाजिक कुरूतियों का कारण धार्मिक मान्यता थी, किसी को जिंदा जला दे रहे और बोलते हैं कि इनको स्वर्ग मिल जाएगा, सती हो गई है, किसी के साथ छुआछूत का पालन कर रहे हैं और कहेंगे कि ये ब्रह्मा के पैर से निकले, ये तार्किक है, ये क्या मानवीय है, किसी को जिंदा जलाना, काली माता को प्रसन्न करने के लिए नर की बलि दे रहे हैं, ह्यूमन सैक्रिफाइस, क्या मानवतावाद पे रहे थे, क्या तार्किक है, क्या वैज्ञानिक है, या अंधविश्वास, बिल्कुल अंधविश्वास का आधार क्या है, धार्मिक मान्यता, किसी को आप किसी की जान ले रहे हैं और बोल रहे हैं काली माता को प्रसन्न करने के लिए नर बलि दे रहे हैं, ये क्या तार्किक मानवीय बात थी या अंधविश्वास और अतार्किक और वैज्ञानिक बात थी, द लेटर वन। सिमिलर जो मॉडर्नाइजेशन के तीन आधार हैं, पहला है रैशनलिटी, तार्किकता, तार्किकता यानी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, लॉजिक के आधार पर, तर्क के आधार पर, अंधविश्वास के आधार पर निर्णय नहीं। दूसरा है साइंटिफिक अप्रोच, व्हाट इज साइंस, साइंस बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन, रिपीटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन एंड ऑब्जर्वेशन, साइंस क्या हो, व्हाट इज साइंस, तो आप बोलेंगे 10th क्लास में हमें साइंस का डेफिनेशन पूछ रहे हैं, जानो 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं लेकिन बेसिक्स में कमजोर रहते हैं, वही बात हो गई बिल्डिंग बना दिया बहुत अच्छा पर बेसिक बिल्डिंग कमजोर है, कभी भी गिर जाए। साइंस इज सिस्टमैटिक स्टडी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, रिपीटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन एंड एम्पिरिकल फैक्ट्स व्हिच आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। साइंस किस पे है, अवलोकन पर आधारित है, तथ्यों पर आधारित है। और आर्ट क्या है, टेंथ का बताता है कि साइंस लें या आर्ट लें, ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट या फिर कॉमर्स लें, आता है सब्जेक्ट, तो साइंस को पता चल गया, आर्ट क्या होता है, चित्रकला नहीं, मैं सिर्फ कला पूछ रहा हूं, चित्रकला कला का एक भाग, चित्रों की कला को, लेकिन कला में कई बात है, कला होती क्या है, मैं कला के ब्रांच बाद में पूछेंगे, पहले कला क्या होती है, व्हाट इज आर्ट, मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्या होता है आर्ट, कला क्या है, मैं बहुत बेसिक और कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा, साइंस क्या है, आर्ट क्या है, मॉडर्नाइजेशन क्या है, राष्ट्र क्या है, राज्य क्या है, सरकार क्या है, समाज क्या है, तो बेसिक चीज एबीसीडी है। आर्ट बोलते हैं, जैसे शाहरुख खान बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बोलते क्यों बोलते, कैसे चलना चाहिए तो सबको पता है, तो व्हाट इज आर्ट, तो शाहरुख खान को आर्टिस्ट क्यों कहते हैं, इज इट नॉलेज और स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, इट इज स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। आर्ट क्या है, नॉलेज नहीं है, ज्ञान तो सभी को ऐसे चला जाता है लेकिन वो स्टाइल में चलता है तो बोलते बहुत अच्छा कलाकार है, नॉलेज तो सभी को ऐसे सिगरेट पीते हैं लेकिन जब रजनीकांत पीते हैं छल्ला बनाते तो बोलते बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, नहीं तो व्हाट इज आर्ट, आर्ट इज स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का दक्षता पूर्वक प्रयोग,
को कला कहते हैं, सिर्फ ज्ञान नहीं, ज्ञान का दक्षता पूर्वक, दक्षता मतलब स्किल, स्किल मींस अ पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग अ थिंग, ठीक। तो कला की जरूरत कहां है? राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, साइंस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। व्हाई? आर्ट इज बेस्ड ऑन स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का दक्षता पूर्वक प्रयोग। ज्ञान आपको है कि करेंसी कैसे छापते हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है, तो आपको आरबीआई का गवर्नर बना दिया जाए या किसी को बना दे, या उस क्षेत्र में जिसकी का विशेष ज्ञान होगा उसका प्रयोग कर सकता है, एक्सपीरियंस भी होगा, दक्षता भी होगी, नॉलेज भी होगा, तब तो दक्षता पूर्वक प्रयोग होगा। आप सीधा इकोनॉमिक्स का बुक पढ़ दीजिए, बोले आप मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बना दीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर तो बन सकते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी बना दीजिए, बना दीजिए। मुद्दा सिर्फ ज्ञान नहीं है, ज्ञान का दक्षता पूर्वक प्रयोग है। तो ज्यादा अनुभवी लोग क्या करते हैं, ज्ञान की पुस्तक में लिखा हुआ है, फिर क्लास की क्या जरूरत है, नेट में भी देख सकते हैं, किताब में भी पढ़ सकते हैं, क्या जरूरत है क्लास आने की। दक्षता पूर्वक प्रयोग, सिर्फ ज्ञान नहीं है, दक्षता पूर्वक अगर ज्ञान का प्रयोग करते हैं उसको आर्ट कहते हैं। तो तथ्य, वैल्यूज यानी मूल्य, मूल्यों का कभी क्वांटिफिकेशन नहीं हो सकता है, हो सकता है? There are so many value added subjects। टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर है, आपने कर लिया, देखा हाँ चलिए 98.6 है बुखार में, देखा फिर एक मोनोमीटर है, फ्रीक्वेंसी के लिए टैकोमीटर है, प्रेशर के लिए मैनोमीटर है, आमीटर है, वोल्टमीटर है, है? तो जस्टिस नापने के लिए कोई जस्टिस मीटर है नहीं, न्याय मीटर, आमीटर जैसा लगा है भारतीय समाज में, अच्छा 30% जस्टिस, इसे बुखार नाप लेते तो न्याय क्यों नहीं नाप सकते, अमेरिका के समाज में लगाया ओ 80% जस्टिस है सर, क्यों नहीं होना चाहिए? आमीटर है, वोल्ट मीटर है, थर्मामीटर है, टैकोमीटर है, बैरोमीटर है, तो न्याय मीटर क्यों नहीं है? Why don't we have justice meter? Yes, because it is a value-laden subject। ये मूल्य आधारित विषय है और मूल्य सब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं, क्वांटिफाई नहीं हो सकते। और मानविकी के विषय में मानव के मूल्य अलग है, आपके लिए लाल शर्ट का मूल्य ज्यादा है, आपके लिए ग्रीन शर्ट का ज्यादा है, नहीं? तो मूल्य यानी हम ये प्राथमिकता, तो प्राथमिकता हम किसको देते हैं, जो हमारे महत्व का है या जो हमें पसंद है, और महत्व और पसंद दोनों मिल जाए तो उसकी प्राथमिकता ज्यादा हो जाती है, नहीं? तो मूल्य, हर मानव का मूल्य अलग है, किसी के लिए प्राथमिकता है कि मुझे ज्यादा धन चाहिए, किसी की प्राथमिकता है नहीं मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, किसी की प्राथमिकता है नहीं मुझे दोनों नहीं चाहिए, संतुष्टि चाहिए, किसी की प्राथमिकता है नहीं मुझे सुकून चाहिए, सबकी प्राथमिकता एक है क्या है? जब प्राथमिकता वैल्यूज डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, सोसाइटी टू सोसाइटी, सो देयर कैन नॉट बी जस्टिस मीटर, देयर आर सो मेनी वैल्यू एडिंग सब्जेक्ट्स, जो बहुत से मूल्य आधारित विषय हैं जिनका मात्रात्मक मूल्यांकन नहीं हो सकता, जिनको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, कोई जस्टिस मीटर, लिबर्टी मीटर, इक्वालिटी मीटर, लेजिटिमेसी मीटर,
है नहीं, क्योंकि सबकी प्राथमिकता अलग है, कोई ऑब्जेक्टिव मुद्दा नहीं, इसके कई आयाम होंगे, जस्टिस है तो सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, करेक्टिव जस्टिस है, रिट्रीब्यूटिव जस्टिस है, कम्यूटेटिव जस्टिस है, फेयरनेस इन जस्टिस है, कई इसी क्लास में कोई कहेगा आरक्षण सोशल जस्टिस है, इससे नीचे वालों को ऊपर आने की मदद मिलता है, कोई कहेगा आरक्षण इनजस्टिस है, अन्याय है, मेरिट पीछे रह जाता है और आरक्षण से नीचे वाले ऊपर आ जाते हैं, तो कैसे निर्णय करें? आरक्षण से हमें फायदा हो रहा है तो बोले बहुत अच्छा है, और अगर हमें फायदा नहीं हो रहा है तो बोले खराब है, ऐसे निर्णय होगा अपने फायदे को नुकसान के आधार पर या निष्पक्षता से निर्णय होगा, कैसे निर्णय करें? आरक्षण से अगर हमें फायदा हो रहा है तो हमने कहा आरक्षण बहुत अच्छी चीज होती है, सामाजिक न्याय है, अगर हमें फायदा नहीं हो रहा है बोले नहीं नहीं ये तो अन्याय है, किलिंग ऑफ मेरिट है, ऐसे निर्णय होगा, ये क्या ऑब्जेक्टिव इशू है? ऑब्जेक्टिव इशू रहता तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जगह पे सुपर कंप्यूटर बिठा दे, प्राइम मिनिस्टर के जगह पे सुपर कंप्यूटर बिठा दे, कैसा रहेगा आप बताइए? प्राइम मिनिस्टर का कोई जाति है, कोई धर्म है, कोई पार्टी है, कोई मानवीय कमजोरी है, कोई बायसनेस है, कोई प्रेजुडिसेस है, कोई पूर्वाग्रह है, सुपर कंप्यूटर का कौन सा जाति है? वो ब्राह्मण है कि दलित, हिंदू है कि मुसलमान, कुछ नहीं, तो कितना अच्छा रहेगा? प्राइम मिनिस्टर का तो निर्णय तो लेना है, सुपर कंप्यूटर में सारा डेटा डाल देते हैं, सारा निर्णय निकाल देंगे, निष्पक्षतापूर्वक निर्णय हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह पे सुपर कंप्यूटर बिठा दीजिए, सारा डेटा डाल दीजिए और निर्णय दे देंगे पूरी तरह से निष्पक्षतापूर्वक, और सुपर कंप्यूटर तो ब्राह्मण जाति का नहीं है, या जाट जाति का है, या गुजर जाति का है, नहीं तो निष्पक्ष है ना, उसका कोई जाति ना कोई धर्म ना मानवीय कमजोरी, कितना अच्छा रहेगा उसकी जगह पर बिठा देते हैं, इंसान तो कमजोरी रहेगा ना कुछ ना कुछ, जाति का पूर्वाग्रह का कुछ ना कुछ, सुपर कंप्यूटर का कुछ कैसा रहेगा? ठीक रहेगा, ठीक है, क्या जरूरत है चुनाव कराने की? प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर निष्पक्ष ही तो चाहिए ना, तो सुपर कंप्यूटर बिठा देते हैं, बिठा सकते, सुपर कंप्यूटर तो यही बोलेगा हत्या हत्या होती है फांसी, तो आप जंगल में गए अम्यूजमेंट के लिए, आपने गोली ऊपर चला रहे थे, गलती से किसी को लग गया, दैट इज एक्सीडेंट नॉट डेलिब्रेट किलिंग, दूसरा आपने गुस्से में आके किसी को मार दिया, तीसरा सोच समझ के ठंडे दिमाग से प्लानिंग करके क्रूरता से किसी को मार दिया, तीनों में सजा बराबर होगी? बताइए बराबर होगी? फर्स्ट केस इज एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट है, आप नहीं चाहते थे किसी को मार, सजा तो होगी किसी की जान नहीं है लेकिन कम होगी, थर्ड केस में सबसे ज्यादा हो, तो ये क्या कंप्यूटर कर सकता है? कैन कंप्यूटर सी द कॉन्टेक्स्ट द सिचुएशन द इंटेंट द इंटेंशंस? वो तो कहेगा नहीं, हत्या हत्या होती है भाई, एक्सीडेंट से हुआ कि जानबूझ के हुआ कुछ मतलब नहीं, हत्या होगी इनको फांसी चलाओ, नहीं, दिस इज हाउ वैल्यू जजमेंट इज बिकमिंग, वैल्यू जजमेंट बिकम नेसेसरी in human society, so humanities deal with the art values, which is subjective, which is not an objective issue, but subjective judgment is required. समझ में आया नहीं आया? मैं बहुत simple example से, कोई ज़्यादा अभी आप लोगों को कोई बहुत course content नहीं पढ़ा रहा हूँ, ABCD बता रहा हूँ, एकदम basic. तो rationality का मतलब हो गया तार्किकता, का मतलब हो गया cost benefit analysis, यानी तर्क आधार पर निर्णय, अंधविश्वास के आधार पर नहीं. दूसरा साइंटिफिक अप्रोच, साइंस आपने देखा, साइंस इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन रिपीटेशन एक्सपेरिमेंटेशन डेमोंस्ट्रेशन, ऑब्जर्वेशन एम्पिरिकल फैक्ट्स व्हिच आर यूनिवर्सल एक्सेप्ट. और थर्ड ह्यूमनिज्म, मानवतावाद. मानवतावाद क्या होता है? इस काल में अंधकार के युग में किसकी बात होती थी? ईश्वर की. ईश्वर की बात करें या अपनी बात करें? आपने बड़ा धर्मी बात, आपको ईश्वर की बात करनी चाहिए, अपनी बात कर रहे हैं, मानव की कितने स्वार्थी है, ईश्वर की बात करता कौन था? ईश्वर या चर्च, पुरोहित, मौलवी, कौन?
उन्हीं को फोन आ रहा था, इस बार सिर्फ चर्च को फोन कर रहा था कि मैं क्या चाहता हूँ, बाकी जनता को वो नहीं चाहता था। इस बार भाव करता है सिर्फ पुरोहितों को कनेक्ट होता है, बाकी किसी साथ आम आदमी साथ कनेक्ट नहीं होता, इतना भेदभाव करता है इस वर्ष नहीं। भगवान जो है अल्लाह इस वर्ष वर्ड इतना भेदभाव करता है कि सिर्फ चर्च को स्पेशल ट्रीटमेंट देता है, सारे सूचना उन्हीं को देता है, हमें नहीं देता। ऐसा है क्या? नहीं है। और इसी का दुरुपयोग चर्च करते थे, कहते थे मानव ने बड़ा पाप किया है तो उस प्रायश्चित करने के लिए उसे पृथ्वी पे फेंक दिया गया है, वो प्रायश्चित करे, दुख में जीवन जिए, वो दुखी रहे। और चर्च और पोप क्या कहें, क्या करें, बोल रहे विश जीवन जी कैसे, तो दान दीजिए पुण्य कमाइए, कहीं भी जाते हैं दान देते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में दान पेटी क्यों देते हैं, दान आप लोग जाते हैं, नहीं जाते, आप भी जाते हैं, बाकी कोई जाता है, जाते हैं क्यों, दान देते हैं मंदिर निर्माण हो सुकून के लिए, दान देने से सुकून कैसे मिलेगा, अच्छा लगेगा, गरीबों को दान देते हैं। दान पुण्य का कॉन्सेप्ट कहां से आया, महायान बुद्धिज्म से, दान दीजिए पुण्य कमाइए, पुण्य का अकाउंट भरेगा तो सीधा सर पाप का घर बड़ा घड़ा भर गया तो ना, और हर कोई कहां जाना चाहता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पुण्य का अकाउंट भरना पड़ेगा, पुण्य का अकाउंट कैसे भरेगा, दान दे के भरेगा, क्योंकि अध्यात्म अपना आसन लगाना, भगवान को याद करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत टीडियस है, रेडीमेड किया दान दीजिए पुण्य कमाई, तो दान देने में साथ नहीं जाएगा पुण्य साथ जाएगा, तो हर कोई क्या चाहता है। सारे मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर महमूद गजनी ने क्यों टैग किया, किस लिए, धार्मिक कारण से या आर्थिक कारण से, आर्थिक कारण से। तो जो जो चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड में चर्च थे, चाहे मंदिर पुजारी, पुरोहितवाद, मौलवीवाद, इसमें क्या आम जनता त्रस्त थी, वो अतार्किक अमानवीय गतिविधियों को भी बढ़ावा देते थे, पुण्य के नाम पे लोगों की गाड़ी कमाई निकल जाते थे और खुद लैविश जीवन जीते थे, और ये कह रहे थे ईश्वर आपको कष्ट करने के लिए भेजा है, ये मानवीय है, ये तार्किक है, ये वैज्ञानिक है। तर्क या विज्ञान जब तक किसी का ऑब्जर्वेशन नहीं करेगा, वेरीफाई नहीं करेगा, उसको स्वीकार नहीं करेगा। कोई कह देगा ईश्वर ये चाहता है, आपको कैसे पता ईश्वर क्या क्या चाहता है, आपको फोन क्या था ईश्वर, हमें फोन नहीं करता ईश्वर, अभी वो कैसे करता है चर्च, ये सच है क्या झूठ। तो मॉडर्न का आधार क्या है, तार्किकता। तो तार्किकता जब आएगी तो धर्म का दखल राजनीति में खत्म होगा, तभी तो एकीकरण होगा ना, और जब एकीकरण होगा तभी तो लंबी दूरी का व्यापार होगा, जब लंबी दूरी का व्यापार होगा तभी तो संपन्नता बढ़ेगी, और संपन्नता बढ़ेगी तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ओवरसीज ट्रेड होगा, और संपन्नता बढ़ेगी तो संपन्नता कैसे बढ़ती है, आधुनिकता से या अंधविश्वास से, आधुनिकता से। जो भी समाज में तार्किकता आएगी वो संपन्नता की ओर जाएगी। मैक्स वेबर का नाम सुना है, मैक्स वेबर वाज सोशियोलॉजिस्ट इन 19th सेंचुरी, ही सेड विद द एडवेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन देयर वाज डेथ ऑफ गॉड, ईश्वर की मृत्यु कैसे हुई, ईश्वर की मृत्यु आधुनिकता। ईश्वर कब तक जिंदा था, जब तक अंधविश्वास था, चर्च थे, पोप थे, शोषण था, एकीकरण नहीं था, अंधविश्वास था, धर्मनिरपेक्ष राजनीति नहीं थी, धर्मनिरपेक्षता फायदे के लिए बोलने के लिए, अमेरिका में तो बहुसंख्यक क्रिश्चियन क्रिश्चियन देश क्यों नहीं बन जाता, इंग्लैंड क्रिश्चियन देश क्यों नहीं बन जाता, धर्मनिरपेक्ष क्यों है, अगर एक धर्म विशेष के हो जाएंगे तो दूसरे टैलेंट के लोग वहां नहीं आ सकते,
मुख्य धारा में जुड़ पाएंगे तो विकास होगा। क्या सारा टैलेंट एक ही जाति एक ही धर्म के एक ही राष्ट्र के लोगों में? अमेरिका आगे क्यों है? Does white skin does it mean white brain? गोरी चमड़ी मतलब गोरा दिमाग भी? ऐसा है क्या? सारा दिमाग अमेरिका वाले के पास, वो आगे क्यों है? Because they're secular, they're open, they have free society, they have civil liberties, they have respect for human rights. Best talents across the world, अमेरिका पहुंच जाते हैं। तो जब सारे टैलेंट एक जगह अच्छा पहुंचेंगे तो देश पीछे रहेगा? ऐसा नहीं कि अमेरिका में जो क्रिश्चियन हो बेवकूफ है, वहां बहुसंख्यक क्रिश्चियन है लेकिन जानबूझ के धर्म निरपेक्षता क्यों अपनाते हैं? उसका फायदा है या नहीं है धर्म निरपेक्षता का? अगर धर्म से जुड़े लोग हमेशा राजनीति में दखल देने लगेंगे, ईश्वर ये नहीं चाहता, राजा ये मत करो, राजा वो मत करो, राजनीति अगर धर्म के अनुसार चलने लगे तो हो गए, फिर छोड़ दे, ईश्वर रक्षा करेगा, रक्षा बजट की जरूरत क्या है? इसराइल से इतना काम खरीदने की जरूरत क्या है? ईश्वर रक्षा कर ले नहीं? तो मुद्दा यहां पे ये है कि राष्ट्र आधुनिक अवधारणा है। 14 सेंचुरी में राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ, जब सामंती राज्य समाप्त हुए, एकीकरण हुआ, धर्म निरपेक्षता आई, लंबी दूरी का व्यापार हुआ, सामंत वर्ग खत्म हुए, राजा मजबूत हुआ, बड़े राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ। एक लाइन में इस बात को पूरी बात को कहें तो इन अर्ली मॉडर्न पीरियड लार्ज नेशन स्टेट्स इमर्ज्ड अंडर स्ट्रॉन्ग मोनार्क्स। एक लाइन में सारी बात, आरंभिक आधुनिक काल में, इसको लिख लीजिए, आरंभिक आधुनिक काल में बड़े राष्ट्र राज्यों का उदय, आधुनिक राष्ट्र आधुनिक आरंभिक आधुनिक काल में बड़े राष्ट्र राज्यों का उदय मजबूत राजा के नेतृत्व में हुआ, मजबूत राजा के नेतृत्व में हुआ। इन अर्ली मॉडर्न पीरियड द लार्ज नेशन स्टेट्स इमर्ज्ड अंडर स्ट्रॉन्ग मोनार्क। In early modern period, the large national states emerged under strong monarch. Replacing feudalistic decentralization. और सामंती विकेंद्रीकरण की समाप्ति। Replacing feudalistic decentralization. सामंती विकेंद्रीकरण की समाप्ति। आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय मजबूत राजा के नेतृत्व में हुआ, सामंती विकेंद्रीकरण समाप्त हुआ, लंबी दूरी का व्यापार बढ़ा, संपन्नता आई, धर्म निरपेक्षता आई, राष्ट्र राज्य का उदय हुआ, राष्ट्र बड़ा होता। इसके अंदर सवा सौ करोड़ भारतीय किसके मुंह से सुनते हैं? कौन बोलता है? मोदी। सवा सौ करोड़ भारतीय होते हैं मोदी। तो राष्ट्र सवा सौ करोड़, और प्लेटो के समय में 5040, अरिस्टोटल के समय 10,000 नगर राज्य, आज राष्ट्र राज्य कहां? हजार में पॉपुलेशन, आज करोड़ों में पॉपुलेशन। तो ये करोड़ों में पॉपुलेशन राष्ट्र राज्य कब बना? आधुनिक काल में या मध्य काल में? आधुनिक काल। नेशन इज ए मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न आप देख चुके हैं क्या है, और फ्यूडलिस्टिक डिसेंट्रलाइजेशन खत्म हुआ। नेशन इज ए ग्रुप, ग्रुप यानी समूह है जिसके सदस्यों में एक होने का बोध है, एंड इट हैज टू डायमेंशन, इंटरनल आंतरिक और बाह्य। इंटरनली द मेंबर्स हैव फीलिंग्स ऑफ वननेस। आंतरिक रूप से एक राष्ट्र के सदस्यों में एक होने का बोध क्यों होता है? आप में भावना है कि हम भारतीय हैं,
कि जाति अलग हो सकती है, धर्म अलग हो सकता है, क्षेत्र अलग हो सकता है, भाषा अलग हो सकती है, संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हम भारतीय हैं। एक होने का बंधन का आधार क्या है? एक होने का बंधन का आधार क्या है? शेयर्ड हिस्टोरिकल मेमोरीज, शेयर्ड टेरिटरी, शेयर्ड पॉलिटिकल एस्पिरेशंस एंड शेयर्ड इंटरेस्ट। यानी हमारी ऐतिहासिक स्मृति एक समान है। अशोक सिर्फ ब्राह्मणों के लिए महान, दलितों के लिए नहीं। अशोक सिर्फ यूपी वालों के लिए महान, बंगाल वालों के लिए नहीं, सबके लिए महान। हमारी ऐतिहासिक स्मृति एक समान है, हमारा भूगोल एक समान है। असम जाए, कर्नाटका जाए, गुजरात जाए, कहीं भी जा सकते हैं, हमारी भूगोल एक है। हमारे हित एक समान है। भारत का जीडीपी बढ़ेगा तो सिर्फ गुजरात को फायदा हो, सिर्फ केरल को फायदा हो, या यूपी को भी फायदा हो, सबको फायदा हो। हमारा हित एक समान है। तो एक होने का बोध कब होता है? जब कुछ समानता होती है। समानता का आधार राष्ट्र का व्यापक होता है। एक होने का बोध एक जाति के कारण भी हो सकता है, एक होने का बोध एक धर्म के होने के कारण भी हो सकता है, एक होने का बोध एक व्यवसाय के कारण भी हो सकता है। मजदूर एकता जिंदाबाद, हम मजदूर होते हैं, हम मजदूरों को एकता रखनी पड़ेगी, किसान एकता जिंदाबाद। लेकिन राष्ट्र का आधार क्या है? व्यापक। हमारा राष्ट्र बहुभाषीय, मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस, डाइवर्स, मल्टी कल्चरल नेशन है। तो एक होने का बोध का आधार क्या है? एक समान हित। अगर भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलेगी, इफ इंडिया गेट्स परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल, विल इट बी प्राउड मोमेंट ओनली फॉर पीपल ऑफ बंगाल और आल्सो पीपल ऑफ बिहार? सबके लिए गर्व की बात होगी। अगर भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिले तो सिर्फ पटाखे कहां छूटेंगे? सिर्फ केरल में, पंजाब में नहीं, पूरे इंडिया में। तो हमारे हित एक समान है। ये आंतरिक रूप से सदस्यों के की भावना होती है जो बंधन का काम करती है, जो एक होने का बोध देती है और बाह्य रूप से दूसरे राष्ट्र से अलग करती है। हम भारत राष्ट्र राज्य अमेरिका से अलग है, पाकिस्तान से अलग है, ब्राजील से अलग है, इंडोनेशिया से अलग है। तो बाह्य रूप से दूसरे राष्ट्र से अलग और एक आंतरिक रूप से सदस्यों के बीच एक होने की भावना है। नेशन इज एन इमेजिन्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी। व्हाई इमेजिन्ड? बिकॉज इवन इन होल लाइफ टाइम यू कैन नॉट मीट विद ईच एंड एवरी इंडियन। आप हर भारतीय से नहीं मिल सकते। पूरे जीवन काल में आपने लक्ष्य बना लिया, हमें हर भारतीय से मिलना है, मिल सकते क्या? नहीं मिल सकते। फिर भी जिनको आप जानते नहीं, जिन्हें मिले नहीं, जिन्हें मिल सकते नहीं, उनके साथ आपका बंधन है, एक होने का बोध है। क्यों? क्योंकि एक राष्ट्र के समूह के सदस्य। समझना है? सो नेशन इज ए इमेजिन्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी। रूट वर्ड इज नेशन रेसिप्रोक, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम it became more broad based and internally the members have feelings of oneness, externally separateness from others. It is a modern concept. Is it clear? समझाया नहीं है? राष्ट्र आधुनिक अवधारणा है और आरंभिक आधुनिक काल में सामंतवाद की समाप्ति हुई, एकीकरण हुआ, बड़े राष्ट्र राज अस्तित्व में आए, संपन्नता बढ़ी, धर्मनिरपेक्षता आई, धर्म का दखल समाप्त हुआ और इससे लोगों में एक होने की भावना आई और लोग संपन्न होंगे, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। बोलते अमीरी अमीरी की भूख को और बढ़ाती है, बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती? नहीं बढ़ाती। जब तक गरीब है चलो ठीक है, जब थोड़ा अमीर होते हैं तो अमीरी की भूख और बढ़ती है, और होते हैं तो और बढ़ती है। ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए, व्यक्ति के लिए सही नहीं है, समाज के लिए भी सही। जब उन्होंने देखा कि एकीकरण से लंबी दूरी का व्यापार हुआ, अमीरी बढ़ी, व्यापार बढ़ा, तब ओवरसीज ट्रेड करेंगे और अमीरी बढ़ेगी,
तो बोले कि व्यापारिक पूंजीवाद नहीं अब औद्योगिक पूंजीवाद, फैक्ट्री सिस्टम, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1750 वो करेंगे तो औद्योगिक पूंजीवाद से और अमीरी बढ़ेगी, तो फिर और भूख बढ़ेगी तब क्या करेंगे, बोले कि अब तो बहुत मजबूत होगा, इनको गुलाम बना के इनका शोषण करते हैं, इनसे हम परमिशन को लें तो और बड़े साम्राज्यवाद पूंजीवाद का चरम उत्कर्ष हो जाए। इस तरह से पश्चिमी देश जिनमें आधुनिकीकरण पहले हुआ, जहां एकीकरण पहले आया, जहां संपन्नता पहले आई, जहां व्यापारिक पूंजीवाद पहले आया, जहां औद्योगिक क्रांति पहले आई, तो मजबूत वो होंगे हम आगे नहीं आगे हैं नहीं। अभी हमारा आधुनिकीकरण चल ही रहा है, वी आर स्टिल मॉडर्नाइजिंग एंड देयर इन पोस्ट मॉडर्न पीरियड, वो उत्तर आधुनिक काल में चले गए, आधुनिक काल से आगे निकल गए, हम कहेंगे नहीं नहीं हम अपने आप को कम कैसे मान लें, हमारा भी आयुर्वेदा योगा हम कम है क्या, तो उनकी ऐसी हजार चीजें होंगी तो हमारी दो चीजें तो झेट पिटाने वाली बात है, भारत भी कम नहीं है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी कम नहीं है, अमेरिका में योगा है क्या, अमेरिका में आयुर्वेदा कहाँ है, तो आधुनिकीकरण जहां होगा वो आगे पहले होगा संपन्नता में, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन में, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन में, सेक्युलराइजेशन में और डेमोक्रेसी में, शुरुआत में राजतंत्र बाद में लोकतंत्र, उनका विकास चाहे आर्थिक विकास हो चाहे राजनीतिक विकास हो, वो सभी में ज्यादातर मामलों में आगे होंगे, सभी मामलों में नहीं, तो नेशन समझ में आ गया नहीं यार, राष्ट्र क्या है, अब राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय संबंध में हम लोग राष्ट्रों के संबंध पढ़ते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या है, आधुनिक अवधारणा है या प्राचीन, जब राष्ट्रीय आधुनिक है तो अंतरराष्ट्रीय संबंध कैसे प्राचीन हो सकता है, मध्यकालीन हो सकता है, तो आप बोलेंगे नहीं हमने तो सुना था अशोक के समय में भी, हड़प्पा के समय में मैसिडोनिया से संबंध था, ये राज्य वो राज्य का संबंध, राज्य स्टेट आधुनिक नहीं है, प्राचीन अवधारणा, व्हाट इज स्टेट, राज्य का या प्रांत नहीं, भारत राष्ट्र राज्य, इंडिया इज ए नेशन स्टेट, तो राज्य क्या है, स्टेट किसको कहते हैं, व्हाट इज स्टेट, तो आपने सिविक्स क्लास में पढ़ा होगा बहुत आठवीं नौवीं में, स्टेट इज अ लीगल कॉन्सेप्ट हैविंग फोर एलिमेंट, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी, राज्य एक कानूनी अवधारणा है जिसके चार तत्व होते हैं, जनसंख्या, बिना जनसंख्या के कोई राष्ट्र हो सकता है, बिना निश्चित भूभाग के, बिना किसी सरकार के और बिना संप्रभुता, संप्रभुता यानी सर्वोच्चता, अंतिम निर्णय लेने की सर्वोच्चता, समाज कोई भी परफेक्ट नहीं है, हितों का टकराव होगा, विचारों का टकराव होगा, तो अंतिम निर्णय कौन लेगा, कोई व्यक्ति कहेगा हम सही हैं, कोई कहेगा नहीं हम सही हैं, कोई कहेगा हम सही हैं, कोई कहेगा कि राम सेतु प्रोजेक्ट बनना चाहिए, कोई कहेगा नहीं बनना चाहिए, कोई कहेगा अमेरिका के साथ ऐसा संबंध होना चाहिए, कोई कहेगा ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, कोई कहेगा 8 नवंबर को डिमोनेटाइजेशन होना चाहिए, कोई बोलेगा 16 होना चाहिए, कोई कहेगा 12 होना चाहिए, अंतिम निर्णय कौन लेगा, अगर अंतिम निर्णय लेने का सत्ता ना हो तो अनिर्णयता हो जाएगी, अनिश्चितता हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, हर कोई अपने अनुसार अपने मन अनुसार चलेगा, इसीलिए तो राज्य का निर्माण किया गया, अरस्तु क्या कहते हैं, मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल, द पर्सन हु इज नॉट लिविंग विद इन स्टेट इज आइदर बीस्ट और गॉड, एरिस्टोटल का नाम सुना आपने, एरिस्टोटल का नाम सुना, नहीं सुना, अलेक्जेंडर का तो नाम सुना होगा, सिकंदर कब भारत पर आक्रमण किया, 326 BC, अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के गुरु कौन थे, और फुल फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फुल फादर ऑफ बायोलॉजी, अरस्तु तो बड़े महान हो, वो क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति राज्य के अंदर नहीं है वो या तो
ईश्वर है या पशु है, इंसान नहीं, क्योंकि मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल, मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। तो इंसान बिना राज्य के हो सकता है? अगर वह नहीं राज्य के बिना है तो यानी पशु है या ईश्वर है, इंसान नहीं। तो स्टेट बनाया क्यों गया? टू रेगुलेट सोसाइटी, टू हैव फाइनल डिसीजंस। इन एब्सेंस ऑफ स्टेट व्हाट विल हैपन? एनार्की, लॉलेसनेस, अराजकता, जंगल राज। जंगल राज जानते हैं? एक शेर एक हिरन को मार दे, हत्या कर दे, उसको फांसी होगी? क्यों नहीं? आपने किसी को घूसा भी मार दिया तो आप जेल में चले जाएंगे, और वहां शेर किसी की जान ले रहा है तो फांसी नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही फांसी? होनी चाहिए ना? होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए? भाई आपने किसी को घूसा भी मार दिया तो जेल में चले जाते हैं, और वहां वो शेर को कई बार किसी का मांस नहीं खाना होता, अगर उसके रास्ते में तेंदुआ पड़ जाए उसको मार देते, उसको मांस नहीं खाना, बिना मतलब के जान मार देते, फांसी नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए। वे आपने क्यों यह हत्या कर दी, इनको फांसी पर चढ़ा दी? नहीं, क्यों? बिकॉज दे आर एनिमल्स, दे डोंट हैव रैशनलिटी, दे आर नॉट फिलोसफर्स, दे डोंट हैव स्टेट, दे डोंट हैव सो रेगुलेशंस। वहां पे कोई रेगुलेशन नहीं है, वहां क्या है? जिसकी लाठी उसकी प्रेस, नहीं, माइट इज राइट, जो मजबूत वही सही है। उनके समाज में मजबूत की पूछ है, और हमारे समाज में कमजोर को सकारात्मक भेदभाव का लाभ मिलता है, चाहे सामाजिक और सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हों, अनुसूचित जाति जनजाति हों, अल्पसंख्यक हों, अपंग हो, दिव्यांग हो, तो इनको सकारात्मक भेदभाव का लाभ मिलता है। यानी कमजोर को प्रति हमें कितना सहनशील संवेदनशीलता दिखाते हैं, और वहां कमजोर को एनिमल वर्ल्ड में किसकी चलती है? किसकी चलती है? मत्स्य में आए, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो बड़ी मछली को फांसी होगी? नहीं। Because there are differences between human beings and animals. We are rational, they are not. We have capacity to be moral, they don't. We are philosophers, are they philosophers? Have you seen animals making five-year plans? कभी animals को future plan बनाके देखा? कि future में हम ये करेंगे, five-year plan ऐसे बनाएंगे. They don't have objective beyond survival. So man can adapt and change the environment, while animals only can adapt to the environment. And man is a social and political animal. This is the reason why he has created state. State एक लाइन में कहें तो समाज को regulate करने के लिए। State is mean to regulate society. एक लाइन में कहें। State पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। क्योंकि कोई भी society perfect नहीं है, वहाँ हितों और विचारों का टकराव होगा। State एक लाइन में कहें तो to regulate society. जब से इंसान धरती पे आया, कब आया? अगर धरती एक घंटे पहले बनी तो हम इंसान सिर्फ दो सेकंड पहले आए इस धरती पे। इतने समय तक कौन था? यूनिसेल्युलर, उसके बाद फिश, डेवोनियन, उसके बाद डायनासोर, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रेटेसियस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बहुत सारे, तब जाके धरती पे इंसान आया। तो पहले ट्राइबल स्टेट हुआ करता था, किंगशिप हुआ करती थी, ठीक है? आज नेशन स्टेट है, मिडिवल एज में फ्यूडल एज स्टेट था, स्टेट तो था, है, रहेगा। अगर स्टेट ना हो तो हमारे और जानवरों में कोई फर्क रहेगा? बताइए, रहेगा? State is the result of our rationality, collective rationality.
हर कोई जीवन में चाहता है क्या, हर व्यक्ति जो जीवन में क्या चाहता है, सुरक्षा का बोध। सुरक्षा कैसे होगी? आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो मजबूत हूं, शेर हूं, मैं नहीं चाहता स्टेट, मैं नहीं चाहता कानून, मैं नहीं चाहता कोई रेगुलेशन, मैं मजबूत हूं, कमजोर को सताऊंगा, शेर का सवाल शेर नहीं मिलेगा, मिलेगा? चलिए मान लेते हैं नहीं मिला, नहीं भी मिला तो कमजोर उसके पीछे से हमला कर देगा तो क्या करेंगे? कुछ कर सकते हैं? कमजोर क्या करता, मरता क्या ना करता? शिवाजी कमजोर पड़ेंगे तो गुरिल्ला युद्ध करेंगे मुगलों के खिलाफ, मलिकम्बर भी गुरिल्ला बात करेंगे, कमजोर क्या करेगा, सीधा नहीं भिड़ेगा तो क्या करेगा, पीठ पीछे से। तो क्या मजबूत का भी जीवन प्रेडिक्टेबल रह पाएगा बिना स्टेट? कमजोर की तो बात ही छोड़ दें, मजबूत भी कह सकता है कि अरे हमें स्टेट कानून की कोई जरूरत नहीं, कानून ना रहे तो अच्छा है, जंगल राज रहे तो अच्छा है, मैं तो मजबूत हूं ना। तो क्या मजबूत का भी जीवन सुरक्षित रह पाएगा अगर कानून ना हो, डिटरेंस ना हो, प्रतिरोध ना हो, रेगुलेशंस ना हो, उपाय? सो जब समाज में कई लोग हैं तो सभी लोग इस बात पे सहमत हैं, कलेक्टिव रेस्ट्रिक्ट इस बात पे सहमति है, ये आम सहमति वाले विषय है। व्हाट इज लॉ? लॉ इज द रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव रेस्ट्रिक्ट, सामूहिक तार्किकता का परिणाम है कानून, और कानून को सरकार क्या होती है, एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूट लॉ और टू इंप्लीमेंट लॉ, कार्यपालिका जिसका सरकार क्या होती है, व्हाट इज गवर्नमेंट? मैंने बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा, ज्यादा सरकार 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 सुना नहीं, सरकार क्या होती है, व्हाट इज गवर्नमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट? केंद्र में मोदी सरकार, राज्य में योगी सरकार, सुने या नहीं सुने? क्या होती है सरकार? सरकार का क्या काम? सरकार के कितने अंग हैं? क्यों है सरकार? गवर्नमेंट इज वन विच इंप्लीमेंट्स लॉ बाय एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका के माध्यम से ये कानून को लागू करती है, विधायिका के माध्यम से लेजिस्लेचर ये कानून बनाती है जैसे संसद और राज्यों में विधानसभा, और जुडिशियरी न्यायपालिका के माध्यम से ये कानून का इंटरप्रिटेशन करती है। कानून क्या है? कलेक्टिव रेस्ट्रिक्ट। कानून क्या है? रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस। सर्वोच्च कानून क्या है? संविधान। संविधान क्या है? सर्वोच्च कानून। तो कानून को लागू कौन करेगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कितने भाग हैं? अब एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है उसके भी दो भाग हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज टेंपरेरी, परमानेंट एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेट्स और परमानेंट एंड पेड। तो आप कहां जाएंगे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में या परमानेंट एग्जीक्यूटिव? ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स ऑफिस, ग्रेट्स मींस रूल, रूल ऑफ ऑफिस, एंड हायर ग्रेड्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट्स, राइट? सो ब्यूरोक्रेट्स आर नॉट ओइंग देयर पोजीशन टू द मेरिट, आप मेरिट के आधार पे जाएंगे, मैंडेट के आधार पे नहीं, और ये मैंडेट के आधार, जिसको जनादेश मिलेगा वो रहेगा, जिसको जनादेश नहीं मिलेगा बाहर हो जाएगा। लेकिन आईएएस आईपीएस बाहर होंगे क्यों? नहीं होंगे ना, क्योंकि वो योग्यता के कारण है, मैंडेट के कारण नहीं। और कानून लागू करने के लिए लोकप्रियता भी चाहिए और योग्यता भी चाहिए, सिर्फ लोकप्रियता से काम नहीं चलेगा और सिर्फ योग्यता से भी काम नहीं चलेगा। पूरा देश ब्यूरोक्रेट चलाने क्या जरूरत है, पॉलिटिशियन की चला लेंगे। जब तक लोकप्रियता नहीं होगी, स्वीकारोक्ति नहीं होगी, जनता का समर्थन नहीं होगा, तब तक कानून प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाएगा। तो केंद्र स्तर पे हमारे कितने स्तर की सरकार है? तीन स्तर। बिल्कुल, केंद्र स्तर की सरकार में
कार्यपालिका हो गई राजनीतिक कार्यपालिका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, लेजिस्लेचर हो गया संसद जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, और जुडिशियरी हो गई सुप्रीम कोर्ट। राज्य स्तर पे कार्यपालिका हो गई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद, लेजिस्लेचर विधानसभा और कई राज्यों में विधान परिषद, जुडिशियरी, हाईकोर्ट और तीसरे स्तर की सरकार, स्थानीय सरकार, पंचायती राज, यहां एग्जीक्यूटिव हो गया सरपंच, ग्राम पंचायत जिसको कहते हैं हेडेड बाय सरपंच, लेजिस्लेचर क्या हो गया ग्राम सभा आर्टिकल 243 ए और एडल्ट मेंबर्स ऑफ द विलेज कॉन्स्टिट्यूट ग्राम सभा, यानी गांव के सभी एडल्ट मेंबर्स ग्राम सभा होंगे, जैसे यहाँ लोकसभा है, यहाँ विधानसभा है, यहाँ ग्राम सभा। और जुडिशियल बॉडी क्या हो, न्याय पंचायत, जैसे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ हाई कोर्ट है, यहाँ न्याय पंचायत। तीन स्तर की सरकार हो गई, यूनियन, स्टेट्स या प्रोविंस और ये लोकल, समझ में आया। तो सरकार का काम क्या है, सरकार कहते किसे हैं, तब सरकार वह है जो कानून का अनुपालन करे, कार्यपालिका के माध्यम से, विधायिका के माध्यम से कानून बनाए। संसद का मेन काम क्या है, मेन काम कानून बनाना है, विधेयक पेश करना, उसको पारित करवाना, अधिनियम बनाना। लेकिन एवरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इज मल्टी फंक्शन, मेन काम है केवल अकेला यही काम है क्या, बहस करना भी काम है। संसद बहस करती है, बहस करना अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं। इन डेमोक्रेसी डिबेट एंड डिस्कशन इज कंसीडर्ड वैल्यूएबल, इट ऑलवेज हैज चांस ऑफ इम्प्रूवाइजेशन, हमेशा सुधार की गुंजाइश डिबेट से, डिस्कशन से होती है। संसद का काम सिर्फ कानून बनाना नहीं है, कार्यपालिका को कंट्रोल भी करना है, डिबेट भी करना है, फाइनेंशियल काम भी है, इमरजेंसी कई काम, लेकिन मेन काम क्या है, कानून को बनाना। और विधायिका जुडिशियरी का मेन काम क्या है, कानून की व्याख्या। तो कानून इसमें तीनों में कॉमन पॉइंट आ गया। और कानून के बिना, जब हम कानून कहते हैं तो पॉजिटिव लॉ, मैन मेड लॉ फॉर रेगुलेटिंग ह्यूमन सोसाइटी, पॉजिटिव लॉ है ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन लॉ, मैन मेड लॉ, मानवीय कानून की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक कानून, दैवीय कानून, नैतिक कानून नहीं, उनको नहीं बदल सकते। संसद कह दे कि आज से हम कानून बनाते हैं, ये गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर बॉडी नहीं ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा सर। संसद कानून बनाने के, आज से हम कानून बनाते हैं कि सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से उगेगा, उन्हें चार्ट हो जाएगा। When we talk about law, that is positive law, that is man-made law, human law, to regulate human society, मानवीय समाज को regulate करने के लिए, तो sovereignty, संप्रभुता, क्या होती है संप्रभुता, सर्वोच्चता, अंतिम निर्णय लेने की सत्ता। अंतिम निर्णय कौन लेगा, on state sovereignty lies with the state legally and practically exercised by the government of the day. अंतिम निर्णय कौन लेगा कि आठवीं नवंबर को डीमोनेटाइजेशन होगा, तो कह रहे हैं मैं मुझे लगा था 12 नवंबर को करना चाहिए, शुक्रवार को कर दिया, तो कह रहे हैं 16 को करना चाहिए, मैं जुलाई में करना चाहिए। अंतिम निर्णय कौन ले, सरकार ले, बिल्कुल। The government is having sovereignty or supremacy to decide. अगर ऐसा ना हो, उसका उलट करके देखें तो क्या हो, तो अंतिम निर्णय कोई हो ही नहीं पाएगा। मजदूर कहेंगे हमारी बात सही है, मजदूरों का वेतन बढ़ाना चाहिए, मिल मालिक कहेंगे इनकी बात गलत है, मजदूरों का वेतन घटाना चाहिए, हमारा बैलेंस शीट कमजोर पड़ रहा है, तो पूंजी नहीं बनेगी तो निवेश कहाँ होगा, रोजगार कैसे होगा, मिडिल क्लास कहेगा ये होना चाहिए, कोई पार्टी कहेगी वो होना चाहिए, कोई कहेगा वो होना चाहिए, अंतिम निर्णय कौन लेगा। अगर ऐसी सत्ता ना हो तो अफरा तफरी हो जाएगी, अनार्की हो जाएगी, अनिश्चितता हो जाएगी। तो एक लाइन में कहें तो
द होल लॉजिक ऑफ स्टेट इज टू रेगुलेट सोसाइटी, समाज को रेगुलेट करने के लिए स्टेट लीगल कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, राज्य यथावत रहती है, सरकारें आती हैं जाती हैं, नहीं पहले मनमोहन सिंह सरकार थी 2014 तक केंद्र में, अब मोदी सरकार है, 2019 में किसकी सरकार होगी कह नहीं सकते, हो सकता है मोदी आ जाए, हो सकता है राहुल गांधी आ जाए, हो सकता है मायावती आ जाए, हो सकता है अखिलेश यादव आ जाए, कोई कह नहीं सकता, तो सरकारें तो आती जाती हैं, लेकिन स्टेट तो बना, स्टेट इज अ लीगल कॉन्सेप्ट, गवर्नमेंट इज अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, गवर्नमेंट कम्स एंड गो अकॉर्डिंग टू एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर एंड लॉ व्हाइल स्टेट रिमेंस। भारत राष्ट्र राज्य बना रहेगा चाहे कोई सरकार आ जाए, तो सरकारें आती जाती हैं लेकिन राज्य तो बने अथवा बना रहता है, राज्य का मुखिया राष्ट्रपति और सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री केंद्र में, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट, राष्ट्र राज्य का मुखिया कौन है, राष्ट्रपति, और सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री, तो गवर्नमेंट इज अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट व्हाइल स्टेट इज अ लीगल कॉन्सेप्ट। स्टेट वॉज देयर फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, जब से इंसान धरती पर आया है स्टेट था, पहले सिटी स्टेट हुआ करते थे, मध्यकाल में फ्यूडल स्टेट है, आज नेशन स्टेट है, स्टेट हमेशा से था है रहेगा, लेकिन नेशन मॉडर्न कॉन्सेप्ट, समझना है, तो नेशन एक होने का बोध होता है, जब एक होने का बोध होता है तो उसको रेगुलेट करने के लिए एक पॉलिटिकल कम्युनिटी की जरूरत पड़ती है, उसी पॉलिटिकल कम्युनिटी को कहते हैं स्टेट, और उसका जो पॉलिटिकल कंपोनेंट है वो गवर्नमेंट, समझना है, सरकार ना हो तो क्या होगा, हमें किसी सरकार की जरूरत नहीं, हमें किसी कानून की जरूरत नहीं, कोई कानून नहीं, कोई स्टेट नहीं, क्या होगा, जंगल राज, एनार्की, हमारे और जानवरों में कोई फर्क नहीं रहेगा, आप 12 बजे रात को आराम से घूमते और जानवर दिन में बिगड़े रहते हैं, देखा आपने जानवरों को हमेशा ऐसे करते रहते, तुम कोई मारते थे और आप 12 बजे रात को आराम से घूमते, क्यों ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वी ह्यूमन बीइंग्स आर रैशनल, वी हैव स्टेट, वी हैव गवर्नमेंट, वी हैव लॉज, एंड लॉज वर्क एज अ डेटरेंस, प्रतिरोधक का काम करते करता है, अनुशासित करता है, संयमित करता है, रिस्ट्रेन करता है, करता है, आप किसी को कितना भी घृणा करें उसको मारते हैं, क्यों नहीं मारते, शेर तो बीच में रास्ते में आए हुए तेंदुओं को बिना कारण से मार देता है, और आप घृणा के बाद भी किसी को मारते हैं, रुक जाते हैं, अच्छी बात, क्यों, क्यों, बिल्कुल डेटरेंस, आपको पता है कि आपने मार दिया तो फांसी हो जाएगी, होगी तो फिर रुक जाते हैं, तो जिस तरह से आपके हेड के बावजूद भी अगले व्यक्ति का जीवन सुनिश्चित है, उसी प्रकार से आपको कोई कितना भी हेड करे वो मारे 100 बार सोचेगा पहले तो मुझे फांसी नहीं देगा, दिस इज हाउ लॉज वर्क एज ए डेटरेंस, लॉ प्रतिरोधक का काम करता है, आप कहेंगे कि एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, लेकिन फिदाइन के लिए कौन सा प्रतिरोधक, वो खुद ही मरने के लिए तैयार बैठा है, ह्यूमन बॉम्ब के लिए कौन सा प्रतिरोधक, नहीं तो खुद मरने के लिए तैयार बैठा हुआ है, केनो मरना तय है, तो ऐसे कितने लोग, माइक्रोस्कोपिक माइंड 99.99% तो प्रतिरोध करता है, एक्सेप्शन सारे हर चीज का अपवाद है, दुनिया में कोई ऐसा नियम नहीं है जिसका अपवाद ना हो, तो फिदाइन अटैक के लिए, ह्यूमन बॉम्ब अटैक के लिए कोई प्रतिरोधक नहीं, लेकिन ज्यादातर मामलों में प्रतिरोधक है, अगर कानून ना होता तो क्या होता, सरकार स्टेट ना होती तो क्या होता, जंगल राज होता, जंगल राज क्या होता, जंगल राज मत्स्य न्याय, बड़ी मछली छोटी मछली उठा जाए, जिसकी लाठी उसकी भैंस,
जिसका ताकत उसी वही सही, माइट इज राइट। तो जंगल राज ना हो, एनार्की ना हो, लॉलेसनेस ना हो और अराजकता ना हो, इसके लिए स्टेट एंड गवर्नमेंट, समझना लॉ है। तो व्हाट इज नेशन, व्हाट इज स्टेट, व्हाट इज सोसाइटी और समाज क्या है। अब ये भी समूह है, ये भी समूह है, ये भी समूह है, ये भी समूह, तो ऐसा लिख देते ना, स्टेट इज इक्वल टू नेशन, नेशन इज इक्वल टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज इक्वल टू सोसाइटी, सबको मिला के खत्म, सब एक ही है। स्टेट एंड सोसाइटी आर द सेम। समाज क्या है बताइए, समाज क्या है? समाज और राज एक ही है, समाज और सरकार एक ही है, क्या है समाज? उसके बाद आएगा सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज। पहले समाज देखें क्या होता है, समाज है तो ग्रुप, एक लाइन तो आंख बंद करके भी बोल सकते हैं, है तो ग्रुप ही, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वोलेंट्रली कमिंग टुगेदर, ग्रुप ऑफ सोसाइटी टू फुलफिल देयर वेरियस नीड्स। हमें समाज की जरूरत क्यों? हम बोले कि नहीं है, हमें किसी की जरूरत नहीं, ना परिवार की, ना समाज की, ना साथियों की, ना संबंध की, किसी चीज की जरूरत नहीं। ऐसा बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते? You have certain physiological needs, you have certain psychological needs, material needs which cannot be fulfilled by living alone, isolated. This is the logic of society. To society, there can be various societies within the state, there can be societies across the boundary of the state. एक समाज, एक राज्य के अंदर कई समाज हो सकते हैं, हो सकते हैं। जनजातीय समाज, cooperative society, जाति के आधार पर society, धर्म के आधार पर society. इंजीनियर्स एसोसिएशन, डॉक्टर्स एसोसिएशन होता है, तो वॉलंटरली कमिंग टूगेदर एंड देयर कैन बी सोसाइटी अक्रॉस नेशन। जैसे व्हाट्सअप ग्रुप सोसाइटी, पीयर ग्रुप सोसाइटी, फेसबुक सोसाइटी है, आपका कोई मित्र अमेरिका में भी है तो भी उस सोसाइटी में, उस ग्रुप में, तो समाज के देश के अंदर तो नहीं। तो समाज और सरकार में क्या फर्क है? What is the fundamental difference between social relations and political relations? Social relations have element of voluntarily. समाज, पहला समाज क्या है? आप बोलते हैं पहला समाज क्या बात है? क्या? परिवार। Family is the first unit of socialization. First society. फिर school. फिर रिलीजियस प्लेस या चर्च या रिलीजियस प्लेस, फिर फ्रेंड सर्किल, फिर नातेदारी, फिर ऑक्यूपेशनल ग्रुप होता है। बट इन सोशल रिलेशन देयर इज एलिमेंट ऑफ वॉलंटेरिटी। आप सोशल रिलेशन में कंपल्सन नहीं है, कोअर्सन नहीं है। आपकी फैमिली कहती है आप ये कीजिए, आप बोले मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये करूँगा। आपका समाज कहता है आप हड़ताल कीजिए, आप डॉक्टर हैं, आप बोले नहीं मैं पेशेंट को देखूंगा, मैं नहीं हड़ताल। तो आप समाज को मना कर सकते हैं, सरकार को मना कर सकते हैं, सरकार बोले ये टैक्स देना है, आप बोल सकते हैं मुझे मेरा मन नहीं है। आमतौर पर गांधी ने तो वैसे 1930 में नमक का कानून भी तोड़ा था। When the law is considered to be illegitimate, जब कोई भी कानून, या केजरीवाल ने भी दिल्ली में बोला कि हमें गिरफ्तार कर लीजिए, बिजली का कनेक्शन जो काट के गए मैं तोड़ के गिरफ्तार कर लीजिए, गांधी को गिरफ्तार भी किया था, हमें कीजिए। तो वो करियर होता है, ज्यादातर क्या होता है कानून का अनुपालन। समाज और सरकार में अंतर समझ में आता है, सोशल रिलेशंस और पॉलिटिकल रिलेशंस। समाज की समझ, सिविल सोसाइटी क्या है? सभ्य समाज। समाज तो मधुमक्खियों में भी है, चींटियों में भी है। तो मानवीय सभ्य समाज और उनके समाज में क्या फर्क है? वी हैव सिविल सोसाइटी, सिविलाइज सोसाइटी, सेल्फ रेगुलेटेड सोसाइटी, ऑटोनोमस फ्रॉम स्टेट। यानी हमारा सभ्य समाज राज्य से ऑटोनोमस है। स्कूल है, फैमिली है, चर्च है, नातेदारी, इसमें तो कहीं सरकार का सीधा दखल नहीं, सोसाइटी, गवर्नमेंट, ये सब सब समझ में आ गए या नहीं आए? व्हाट इज गवर्नमेंट, व्हाट इज नेशन, व्हाट इज स्टेट? नाउ वी हैव नेशन स्टेट। एट द टाइम ऑफ प्लेटो, एरिस्टोटल, देयर वर सिटी स्टेट्स,
एथेंस, मैसिडोनिया, ट्रॉय, रोम, ये क्या थे? सिटी स्टेट, नगर राज्य, सीमित जनसंख्या और सीमित भूभाग के साथ नगर राज्य हुआ करते थे। सुना आप लोगों ने? नहीं सुना? एथेंस, मैसिडोनिया, रोम और ग्रीस, ये क्या हुआ करते थे? नगर राज्य, यानी नगर के रूप में राज्य, यानी सीमित जनसंख्या। तो आज की दौर में बड़े राष्ट्र राज्य, ये बड़े राष्ट्र राज्य क्यों संभव हो पाए? इसका एक कारण आधुनिकता है, राजनीति है, टेक्नोलॉजी है। सब बैलगाड़ी से राजा आप बन गए, सब बैलगाड़ी से इतना दूर दराज के क्षेत्र कैसे कंट्रोल करें? तो जब टेक्नोलॉजी आएगी तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड फिजिबल होगा। पहले राजा को निर्भर होना पड़ता था सामंतों पे, दूर दराज के क्षेत्र में उसकी पहुंच नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं था, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं थी, तो सामंतों पे निर्भरता थी। और सामंत मध्यस्थ थे, डार्क एज, अंधकार का युग, तो अंधकार से उजाले की तरफ। वो कब आए? 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूरोप स्टार्टेड फ्रॉम 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, और हमारा मॉडर्नाइजेशन 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, यानी 500 साल तो यही पीछे हो गया। देखो देयर मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का मॉडर्नाइजेशन कब से स्टार्ट हुआ? 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, और हमारा 19th सेंचुरी, राजा राममोहन रॉय, सोशल रिलीजियस। तो आधुनिकीकरण के दौर में हम पीछे रहे, तो नेचुरल है कि हमारे यहां राष्ट्रीयता की भावना भी देर से है, क्योंकि राष्ट्र आधुनिक होता है। आपने पढ़ा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो राष्ट्रीयता की भावना 1857 की क्रांति में थी, ठीक? रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्र भारत राष्ट्र की लड़ाई थी आपने रियासत की, कौन सी? नाना साहब, नाना साहब का नाम था भिट्ठूर कानपुर के पास वो जगह है, वो क्यों लड़ रहे थे? राष्ट्रीयता भी कब आएगी? 19th सेंचुरी। आधुनिकता कब आएगी? 19th सेंचुरी इंडिया की। राष्ट्रीयता की भावना 19th सेंचुरी, आधुनिकता 19th सेंचुरी, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स 19th सेंचुरी, ठीक है? तो राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद, हमारे भारत में राष्ट्रवाद के क्या क्या कारण है? हमारी जातियां अलग है, धर्म अलग है, भाषा अलग है, रंग रूप अलग है, क्षेत्र अलग है, फिर भी हम सब कहते हैं हम भारतीय हैं, क्यों? ये कौन कौन से कारण थे जिसके कारण भारतीयों में एक होने का बोध हुआ? कौन कौन से कारण थे जिसके कारण भारतीयों में बोध एक होने का बोध हुआ, बता सकते हैं? What were the reasons for nationalism in India in 19th century? ये तीन चारों में कोई क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हैं, मैं इसको इरेज करूंगा, फिर नई चीज लिखूंगा। इसमें कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, फील फ्री टू आस्क। पूरी बात समझ में आ रही है? सबको तो नहीं मिला देंगे कि नेशन इज इक्वल टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज इक्वल टू सोसाइटी, सोसाइटी इज इक्वल टू नेशन। सब देखिए, ये एक भावना है, एक होने का बोध है, साइकोलॉजिकल बॉन्ड है, जबकि ये लीगल कॉन्सेप्ट है, जबकि ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, जबकि यहाँ वॉलंटियरिटी है, मैं चारों ग्रुप, लेकिन उसमें फर्क है। तो किसका दायरा बड़ा होता है? समाज का दायरा बड़ा होता है। समाज तो पहला फैमिली से ही स्टार्ट हो जाता है, तो एक होने का बोध, राष्ट्रीयता। एक लाइन में कहें तो हमारा जो टॉपिक हमने जो स्टार्ट किया इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस द रिलेशंस बिटवीन द नेशन इन मॉडर्न टाइम्स, रिलेशन इज नॉट ऑनली पॉलिटिकल रिलेशन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन,
अंतरराष्ट्रीय संबंध में सिर्फ सरकारों के बीच संबंध है या जनता के बीच में भी पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है, और सिर्फ राजनीतिक संबंध है या इकोनॉमिक भी है, कल्चरल भी है, सोशल भी है, ह्यूमैनिटेरियन भी है, मल्टी लेयर रिलेशनशिप है, बहुआयामी संबंध जो एक राज्य का दूसरे राज्य से, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से, हमारा जैसे अगर कहते हैं जापान के साथ सिर्फ आर्थिक संबंध है, हमें ब्लड ड्रेन चाहिए, लोन चाहिए, बस पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट नहीं है, टेक्नोलॉजिकल संबंध नहीं है, कल्चरल संबंध नहीं है, टूरिज्म नहीं है, बुद्धिज्म नहीं है, है? तो मल्टीलेयर रिलेशनशिप, तो इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या फर्क है? पॉलिटिक्स बेसिक क्वेश्चन, डर्टी पॉलिटिक्स, राजनीति मत कीजिए, राजनीति बहुत गंदा है, है? इतना गड़बड़ है, तो राजनीति को वाइप आउट करना चाहिए, इरेज कर देना चाहिए, खराब पॉलिटिक्स, वन पार्टीज कॉन्फ्लिक्ट, अनदर पार्टीज कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ऑन पब्लिक इशू, पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ऑन पब्लिक इशू, जन मुद्दों पर टकराव और सहमति का अध्ययन है राजनीति, टकराव तो होगा ही, चाहे राज्य हो ना हो, सरकार हो ना हो, कानून हो ना, लेकिन ज्यादा प्रासंगिकता राजनीति की क्या है, टकराव में समन्वय स्थापित करना, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करना, नहीं कभी तो हम लोग कहते हैं कश्मीर प्रॉब्लम का राजनीतिक हल ढूंढा जाना चाहिए, अयोध्या प्रॉब्लम का राजनीतिक हल ढूंढा जाना चाहिए, अरब इसराइल प्रॉब्लम का राजनीतिक हल ढूंढा जाना चाहिए, श्रीलंका का इतने प्रॉब्लम का राजनीतिक हल ढूंढा जाना चाहिए, कानूनी हल क्यों, राजनीतिक हल क्यों, राजनीति इतनी गंदी है, खराब है, तो राजनीतिक हल क्योंकि कानून तो फिक्स है, भारत रह गई, देखिए हमारा संविधान, इसमें सातवें संविधान संशोधन 1956 से पूरा जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न, कोई बात नहीं, पाकिस्तान में गई देखिए हमारा संविधान, हमारे संविधान के अनुसार भी कश्मीर हमारा है, तब तो कभी समस्या का समाधान नहीं हो पाई, राजनीति में बीच का रास्ता निकालने की संभावना, लचीलापन होता है जो कानून में नहीं है, इसलिए तो कहते हैं राजनीतिक हल ढूंढा जाना चाहिए, बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए, संतुलन बनाया जाना चाहिए, बोला जाता है, तो राजनीति में कंफ्लिक्ट को रिजोल्व करने की असली संभावना है, एक लाइन में कहें तो IR इंटरनेशनल रिलेशंस इक्वल टू IP इंटरनेशनल पॉलिटिक्स प्लस, किसका दायरा बड़ा है, IR का या IP का, इंटरनेशनल रिलेशंस का या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, किसका दायरा बड़ा है, IR इंटरनेशनल रिलेशंस का, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी है, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पॉलिटिकल रिलेशंस, सरकार से सरकार, प्लस सोशल इकोनॉमिक कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन रिलेशन, प्लस नॉन स्टेट एक्टर्स, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही नहीं, बिजनेस टू बिजनेस, पीपल टू पीपल, पी टू पी, बिजनेस टू पीपल, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशन का सेंट्रल सबसेट है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन गोज बियॉन्ड इट, देशों के बीच सिर्फ सरकारों का संबंध नहीं कि मोदी जिले गए पाकिस्तान और वहां बिरयानी खा के आ गए और उनको शॉल ब्रेक करके आ गए, मोदी और नवाज शरीफ का सिर्फ रिलेशन है पॉलिटिकल, बस पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट नहीं, जब दोनों देश जो देशों के बीच में पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट अच्छा होता है, उनका रिलेशन ज्यादा अच्छा होता है, केवल पॉलिटिकल रिलेशन से देश के संबंध सुधरते हैं, जनता के स्तर पे अगर विश्वास का माहौल है
आप जैसे रसिया के साथ ब्लाइंड गेम खेल सकते हैं कि रसिया हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, लेकिन पाकिस्तान के साथ हर बात पे नुक्ताचीनी निकालेंगे, गड़बड़ ना हो जाए, ये दुरुपयोग ना हो जाए। क्यों? एक तरफ एकदम ब्लाइंड और एक तरफ इतना आंख खुला, जरूरत से ज्यादा आंख खुला। क्यों? बिकॉज पीपल टू पीपल रिलेशंस, हिस्टोरिकल मेमोरीज, दे आर नॉट फेवरेबल, दिस इज द रीजन। तो जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें ट्रैक वन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, फिर सोशल रिलेशन भी है, इकोनॉमिक रिलेशन भी है, कल्चरल भी, ह्यूमैनिटेरियन भी, और नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स वो भी इंटरनेशनल रिलेशन को प्रभावित करते हैं, जैसे टेररिस्ट होते हैं, ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। टेररिस्ट आर दे स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स? नॉन स्टेट एक्टर्स। एनजीओ नॉन स्टेट एक्टर्स, मल्टीनेशनल कंपनीज, they are all examples of non-state actors. They are also having impact on international relations. उनका भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव। तो what is international relations here होता है? Simple line में कहें तो the relation among nation states is called international relations. Nation states emerged in early modern period under strong monarch, and international politics is central subset of it. Government to government political relations is mainly studied in international politics, where the politics is a coin, having politics एक ऐसा सीखा जिसके दो पक्ष हैं, पहला conflict, तनाव, और दूसरा cooperation, चाहे international politics हो चाहे domestic politics हो, टकराव और समन्वय। Politics is the study of conflict and cooperation. किसी भी देश के साथ संबंध में कौन कौन से area of cooperation, कौन कौन से area of conflict, जैसे भारत और चीन के संबंध में देखें तो भारत कहेगा मल्टीपोलर एशिया, चीन कहेगा यूनिपोलर एशिया, ये टकराव होगी। और समन्वय क्या होगी? चीन भी कहेगा मल्टीपोलर वर्ल्ड, इंडिया भी कहेगा मल्टीपोलर वर्ल्ड ब्रिक्स। ओके, बॉर्डर, क्षेत्रीय और राजनीतिक मुद्दों पर टकराव ज्यादा चीन से, और आर्थिक मुद्दों पर, एनवायरमेंट मुद्दों पर समन्वय ज्यादा। खट्टा राजनीतिक क्या है इसका अध्ययन है, खट्टा बेटा नहीं, खट्टा बेटा मतलब कंफ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन एंड पब्लिक इशू, समझ में आ गया? तो कोऑपरेशन जो है वो डिजायरेबल, समन्वय स्थापित करने की संभावना असीम होती है राजनीतिक क्षेत्र में, क्योंकि लचीलापन, तभी तो राजनीतिक हल ढूंढे जाने की बात करते हैं। तो व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशन, क्लियर हो गया? नहीं। देखिए, राज्यों के बीच में संबंध आधुनिक काल से पहले भी थे, बट दैट रिलेशन वॉज इंटरस्टेट रिलेशनशिप। लोगों के बीच में संबंध इससे पहले भी थे, लेकिन राष्ट्र पहले नहीं थे। राष्ट्र बड़ा एकीकरण के बाद, और राष्ट्र आधुनिकता के साथ आई, और आधुनिकता हर जगह एक साथ नहीं आई, यानी कि आधुनिकता पूरे पृथ्वी पे हर जगह पे एक साथ आधुनिकता आ गई, वैसा पश्चिमी यूरोपीय देश आधुनिकता की दौड़ में आगे निकले, जबकि तृतीय दुनिया के देश, भारत जैसे देश एशिया अफ्रीका के, उनमें आधुनिकता की दौड़ में पीछे हो। पहले आधुनिकता कहां आई? पश्चिमी यूरोपीय देशों में, फिर अमेरिका में, उसके बाद पूर्वी यूरोपीय देशों में, उसके बाद एशिया और अफ्रीका लैटिन अमेरिकन देशों में। तो जहां आधुनिकता पहले आएगी, तार्किकता पहले आएगी, वैज्ञानिक सोच पहले आएगा, राष्ट्र राज्य का निर्माण पहले होगा, आगे वो बढ़ेगा, नहीं? वरना 5 लाख ब्रिटिश 30 करोड़ भारतीयों पे कैसे शासन कर रहे थे? कैसे कर रहे थे? वो तो मुट्ठी भर संख्या बल के हिसाब से देखें तो कैसे शासन कर रहे थे, क्योंकि वो आधुनिकता के दौर में पहले थे। तो वहां पे चाहे मिलिट्री इंडस्ट्री हो, प्रॉस्पेरिटी हो, वो आगे आए, हम लड़ेंगे और वो लड़ेंगे, ऐसे जीतेगा कौन? नेचुरल कि जब आधुनिकता आए, संपन्नता आए, औद्योगिकरण होगा, तो मिलिट्री इंडस्ट्री को भी तो रीइंफोर्स करेगा, तलवार से या तोप से कौन जीतेगा?
तो आधुनिकता जब आएगी तो उनका मिलिट्री इंडस्ट्री भी रिइंफोर्स होगा। जब मिलिट्री इंडस्ट्री रिइंफोर्स होगा, मिलिट्राइजेशन होगा, तो साम्राज्यवाद कौन करेगा? जो मजबूत कमजोर को राजनीतिक रूप से गुलाम बनाएगा सैनिक ताकत से, और फिर आर्थिक शोषण करेगा, यानी खून पीना। खून पीना समझते हैं? खून पीना मतलब फिजिकली वो खून आरबीसी है। खून पीना मतलब आर्थिक शोषण करना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और लेटर ब्रिटिश गवर्नमेंट कमिंग टू इंडिया, दे वर एक्सप्लॉइटिंग इंडियंस टू प्रमोट प्रॉस्पेरिटी ऑफ देयर मदर कंट्री इंग्लैंड। उनके मदर कंट्री क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मदर कंट्री कौन है? इंग्लैंड। और वो हमारा आर्थिक शोषण करेंगे। ड्रेन ऑफ वेल्थ सुना? धन की निकासी, दादा भाई नौरोजी, किस तरह से वो हमारा खून पिएंगे, आर्थिक शोषण करेंगे। हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय घटेगी, उनकी मदर कंट्री इंग्लैंड की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, और हमारे एक्सपेंस पे वो अमीर होंगे और हम गरीब होते जाएंगे। तो जब आधुनिकता आएगी, आधुनिक शिक्षा आएगी, तो फिर हमें रियलाइज होगा कि हम तो गुलाम हैं। इग्नोरेंस इज ब्लिस। जब अज्ञानता है, अंधकार है, तो कुछ पता ही नहीं, ब्रिटिश है कि अन्य राजा है कि कौन है, कुछ पता ही नहीं। लेकिन जब ज्ञान आएगा, शिक्षा आएगी, तब पता चलेगा भाई हम गुलाम। गांधी शूट बुट के साथ साउथ अफ्रीका फर्स्ट क्लास का टिकट भी लेके पहुंच गए, लॉ का डिग्री लेके भी। सेंट पीटर्सबर्ग में उन्हें क्यों बाहर फेंक दिया गया? बस टिकट नहीं था, अरे क्यों फेंक दिया? क्या आपके व्यक्तिगत कानून पढ़ने से क्या होगा? आपका देश तो गुलाम है। गुलाम देश के नागरिक व्यक्तिगत रूप से कितना भी आगे बढ़ जाए है तो गुलाम। तो जिस देश को गुलामी रहेगी, उस देश के नागरिकों को उनकी व्यक्तिगत क्षमता के बावजूद कहीं इज्जत मिलेगी? इंडियन इवन विवेकानंद में भी लोग हंसते थे यार, इंडियन इसको जीरो पे बोल दिया। ये बात अलग है कि उन्होंने क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर दिया, संकट को अवसर के रूप में तब्दील कर दिया, ये बात अलग है। तो आईआर सब का दिस इज मॉडर्न कंसेप्ट। दिस देशों के संबंध, देश पहले नहीं थे, पहले राज्य थे, उनके संबंध पहले था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संबंध आधुनिक है। तो जब नेशन मॉडर्न कंसेप्ट होता है, नेशनल पावर हो गया, नेशनल इंटरेस्ट हो गया, नेशनलिटी हो गया, नेशनलिज्म हो गया, राष्ट्रवाद सुना? इज्म क्या होता है? क्या होता है सुना आपने? वाद, उदारवाद, समाजवाद, गांधीवाद, मार्क्सवाद, फासीवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद सुना? ये वाद क्या है? राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, क्या है वाद? ये वाद आधुनिक है या प्राचीन? प्राचीन है, आधुनिक होता है। आधुनिक राजनीति विचारधारा की लड़ाई पे है। जिसमें भी वाद लग गया वो क्या होगा? विचारधारा, आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी जैसे बायोलॉजी, स्टडी ऑफ आइडियाज, ग्रुप ऑफ आइडियाज, organized ideas, coherent ideas, directional ideas, meant for mass mobilization. आधुनिक राजनीति तलवार के दम पे नहीं, जन समर्थन के आधार पर। और जन समर्थन किसके आधार पे होता है? विचारधारा के आधार पर। तो मजबूत कौन? जिसके साथ जनता है, जिसके साथ मसल पावर? मोदी या दारा सिंह? नहीं, अब तो खल लिया गया, कौन ज्यादा ताकतवर? तो विचारधारा, विचारधारा की लड़ाई होती है। आधुनिक राजनीति में लड़ाई किसकी है? कोई राहुल गांधी तलवार से लड़ा है मोदी से? या विचार, जिसकी विचारधारा को ज्यादा जन समर्थन मिलेगा वो ज्यादा मजबूत होगा। तो हर विचारधारा में वाद लगता है, इज्म लगता है, ठीक है? आप बोलेंगे आतंकवाद ये क्या है?
आतंकवाद, वाद लग गया मतलब क्या, विचार, यानी विचारों का समुच्चय। कैसा विचारों का समुच्चय है? आतंकवाद, टेररिज्म। आतंकवादी जो ये सबको निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, अपनी जान पे खेल जा रहे हैं, प्लेन के साथ उड़ा दे रहे हैं, फिदाई हमला कर दे रहे हैं, बिना सोचे समझे पागल है, इसके पीछे कोई विचार धारा है, सोच है। क्या सोच है? क्या सोच है? ये विचारधारा आतंकवाद की क्या है? क्या सोच है इसके पीछे? इसके पीछे सोच ये है कि वर्तमान जो राजनीतिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है, अतार्किक है। हमें शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसक तरीकों से न्याय नहीं मिल सकता। आधुनिकीकरण के नाम पे पश्चिमीकरण चल रहा है, अमेरिका की दादागिरी चल रही है, बाकी लोग गुलामी से इसको स्वीकार कर लेंगे, हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम भय का इस्तेमाल करेंगे, निर्दोष लोगों को ही मारेंगे और ये साबित करेंगे कि वर्तमान व्यवस्था आपके जान माल की रक्षा नहीं कर सकती है। आपको वैकल्पिक रूप से सोचने के लिए विवश करेंगे और इस आधार पर जन समर्थन जुटाएंगे, एक वर्तमान व्यवस्था को रिप्लेस करेंगे एक नई व्यवस्था से। ये सोच मोटे तौर पर ऐसे तो बहुत सी चीजें, लेकिन मोटे तौर पर यही सोच है ना। आखिर वो अपनी जान दे रहे हैं, फिदाई अटैक कर रहे हैं, क्यों पागल है क्या वो? बिना किसी सोच के पहले लोगों की जान ले रहे थे, सोचा क्यों लिया गया ऐसा? या उसके पीछे सोच है, विचारधारा? तो जिस तरह से राष्ट्रवाद की विचारधारा है, साम्राज्यवाद की विचारधारा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। साम्राज्यवाद कहेगा ब्रिटिश राज तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, भारतीयों पे आशीर्वाद है, वरना तो आप बैलगाड़ी में थे, हमने रेलगाड़ी लाया, कितना भला हो ब्रिटिश, नहीं? वरना हम बैलगाड़ी में रह जाते, रेलगाड़ी उन्होंने लाया, आधुनिक शिक्षा उन्होंने लाई, यहां तक कि राष्ट्रवाद की भावना उन्होंने लाई, यहां तक कि कानून का शासन, डेमोक्रेसी, उदारवाद सब उन्होंने लाया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ उन्होंने लाया, यूनिवर्सिटी एजुकेशन उन्होंने लाया, पश्चिमी एजुकेशन उन्होंने लाया, और हम अंधकार में थे, हमें उजाले की तरफ ले गए, कितना भला हो ब्रिटिश का, नहीं? आज भी 65,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है, 60,000 वो बना के गए, हमें तो ब्रिटिश का बहुत धन्य होना चाहिए कि ब्रिटिश ना आते तो हम अंधकार युग में रह जाते और हमारा आधुनिकीकरण नहीं आ पाता, हम बैलगाड़ी में रह जाते, तो वो आए और इसी के लिए हमारे यहाँ आधुनिकीकरण आया और हमारा विकास हुआ, सही है? नहीं सही नहीं? तो क्या सही है? हमारा तो फायदा हो गया उसमें, अगर वो ना आते तो क्या पोर्ट्स, रेलवे, टेलीग्राफ, मॉडर्न एजुकेशन, रूल ऑफ लॉ, आधुनिकीकरण, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट, उदारवाद का कॉन्सेप्ट, या आपका सिविल लिबर्टी का कॉन्सेप्ट, आप आता हमारे यहाँ तो सामंती राज्य हुआ करते, कहाँ तार्किकता, कहाँ वैज्ञानिकता, हमारे यहाँ तो सती प्रथा थी, हमारे यहाँ तो विधवा पुनर्विवाह नियम नहीं था, हमारे यहाँ तो बाल विवाह था, मूर्ति पूजा थी, पुरोहितवाद था, छुआछूत था, महिलाओं की खराब स्थिति थी, जातिवाद था, विखंडन था, कितना भला हो ब्रिटिश का, वो आए और उन्होंने भारत को एक किया, एक छतरी में लाया, एक प्रशासन के अंदर लाया, आधुनिक शिक्षा लाई, रेलवे लाया, बैलगाड़ी से रेलगाड़ी में लाया, आधुनिक शिक्षा लाई, हमें जागृत किया, इनलाइटेन किया, सही है? कौन विचारधारा सही है? ब्रिटिश रूल वाज अ ब्लेसिंग ऑन अस और द अपोजिट आइडियोलॉजी? हम उनसे लड़ना है, कैसे लड़ेंगे, तलवार से या विचारधारा से? कैसी विचारधारा से? दोनों विचारधारा है। ये है विचारों का वो समुच्चय जिसको साम्राज्यवाद कहते हैं या इंपीरियलिज्म।
और इसके डायगोनली अपोजिट जो आइडियोलॉजी है उसको कहते हैं राष्ट्रवाद। दोनों उल्टे, अगर मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में कहें इंपीरियलिज्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेशनलिज्म। फॉर्मूला, फ्लो चार्ट, डायग्राम सिर्फ साइंस की मोनोपोली है ऐसा नहीं। तो ये नेशनलिज्म राष्ट्रवाद, तो ये विचारधारा क्या कह रही है? ब्रिटिश रूल वॉज ब्लेसिंग ऑन इंडियंस, और ये क्या कह रही है? व्हाइट मैन्स बर्डन। सुने क्या होता है व्हाइट मैन्स बर्डन? श्वेत नस्ल का भार। क्या है भार? हम श्वेत नस्ल के हैं, हम आगे हैं, और हमारा यह नैतिक कर्तव्य है कि ये बर्बर असभ्य लोगों को हम अंधकार से प्रकाश में लाएं, आधुनिकता की तरफ ले जाएं। ये तो हमारा बर्डन है, सिविलाइजिंग मिशन, मिशन मोड पे काम कर रहे हैं। कितना भला हो उनका, मिशन मोड पे काम किए, हमें सभ्य बनाने के लिए आए। नहीं, तो उन्होंने लाया रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एक प्रशासन, एक कानून का शासन, डेमोक्रेसी, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सब लाया। व्हाइट मैन्स बर्डन, वो सभ्य हैं। तो बर्बर, अशिक्षित, असभ्य लोगों को इनलाइटन कौन करेगा? उनकी अगर स्थिति होगी, अगर उनका प्रेजेंस होगा, उनका शासन होगा, तभी तो भारत में इनलाइटनमेंट आएगा। भारत, भारतीय लोग अंधकार से प्रकाश में आएंगे। जो अतार्किक है वो अवतार्किक होंगे, वैज्ञानिक सोच आएगी। राजा राम मोहन रॉय आधुनिक व्यक्ति 19वीं शताब्दी में ही क्यों, 15वीं शताब्दी में क्यों? भारत की आधुनिकता उन्हीं के आने के बाद क्यों? सही, हर विचारधारा अपनी विचार, अपने विचारधारा को जायज करा देगी। कोई सही गलत का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। अमेरिका कहेगा पूंजीवादी विचारधारा सबसे अच्छी, सोवियत संघ कहेगा सबसे अच्छा तो समाजवाद है, हम कहेंगे सबसे अच्छा गांधीवाद है। तो हिटलर कहेगा नहीं नहीं सबसे अच्छी विचारधारा है नाजीज्म, नाजीज्म भी तो विचारधारा है, वो कहेंगे साम्राज्यवाद। तो अब इनसे लड़ना है, क्या करना पड़ेगा? हम कैसे लड़ेंगे? तलवार से या विचारधारा से? विचारधारा में इसमें रूप पड़ गया है नेशन, जो मैंने आज ही बताया आपको। तो व्हाट दे विल फेवर से, दे विल फेवर नेशनल गवर्नमेंट मस्ट रिप्लेस फॉरेन गवर्नमेंट। राष्ट्रीय सरकार ये विचारधारा कहेगी कि नहीं नहीं आप ये जो कह रहे हैं ना, ये हमारे कोई भले के लिए नहीं है। आपने रेलवे बनवाया अपने व्यापार के लिए, अगर हमारे भले के लिए करते तो लैंडलॉक्ड स्टेट्स में ज्यादा रेलवे नेटवर्क फैलाते। आपने बंदरगाहों को ही क्यों जोड़ा? अपने फायदे के लिए, अपने व्यापार के लिए। अगर हमारे फायदे के लिए करते तो हर कोई को समान रूप से विकसित करते। रेलवे स्टेशन को क्यों डेवलप किया? वहां आपके रहने के लिए। और आपने अपने कारण से, अपने स्वार्थ के कारण, अपने हितों के कारण आधुनिक शिक्षा लाई। आपको भारतीय ऑफिसर नहीं चाहिए थे, आपको क्लर्क और बाबू चाहिए थे जो टैक्स वसूलने में सहायता करे, इसीलिए आपने एजुकेशन लाया। और आप अपनी मदर कंट्री के लिए काम कर रहे थे, उनकी सम्पन्नता के लिए काम कर रहे थे, हमारे लिए नहीं। और जो आप दावा कर रहे हैं कि हाँ आप तो सिविलाइज कर रहे हैं, सभ्य बनाना है, कोई सभ्य नहीं, हमारा खून पीना है। खून पीना मतलब शोषण कर रहे। अगर आर्थिक शोषण ना कर रहे होते तो आपका प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है, हमारा घट रहा है। क्यों? इतना ही आपने सभ्य बना दिया, इतना ही अच्छा किया, तो हमारा प्रति व्यक्ति आय बढ़ना चाहिए था, संपन्नता बढ़नी चाहिए थी। लेकिन उसके ठीक उलट हमारा प्रति व्यक्ति आय घट रहा है,
और हमारे एक्सपीरियंस में आपकी संपन्नता बढ़ रही है, तो ये विचारधारा ठीक इसको उल्टा करें। जब तक भारत में एक राष्ट्रीय सरकार नहीं होगी जो भारतीयों के द्वारा बनी होगी, तब तक भारत राष्ट्र का हित पूरा नहीं होगा। समझ क्वेश्चन आता है कि भारतीयों ने ब्रिटिश गुलामी की बेड़ियां ब्रिटिश हथौड़े से तोड़ दी, क्या मतलब? इंडियंस ब्रोक ब्रिटिश शैकल्स ऑफ स्लेवरी बाय ब्रिटिश हैमर, क्या मतलब है? गुलामी की बेड़ियां, किसकी बेड़ियां थी? गुलाम है ब्रिटिशर्स, तो उस गुलामी की बेड़ियां हथौड़ा कहां से लाए तोड़ने के लिए? कहां कौन सा हथौड़ा? ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है, इसका मतलब ये नहीं कि आप शाब्दिक अर्थ में चले जाए। क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछते हैं, आपको उसका एसेंस समझना है, भाषा पे नहीं जाना है। यानी कि नेपोलियन क्रांति पुत्र होते हुए भी फ्रांस की क्रांति का उसने गला घोंट दिया, तो कोई फ्रांस की क्रांति थी, कोई बायोलॉजिकल एंटिटी नहीं है मदर जिसका गला घोंट देगा, कहने का सेंस है। या स्पेनिश सिविल वॉर का अल्सर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कैंसर को जन्म देता है, तो वहां कोई अल्सर कैंसर नहीं है, वहां सिंबॉलिक लैंग्वेज है। समझने की बात सुना है सर, सिंबॉलिक लैंग्वेज। इस तरह का सिंबॉलिक लैंग्वेज में भी पूछते हैं कि स्पेनिश सिविल वॉर का अल्सर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कैंसर को जन्म दिया, नेपोलियन क्रांति पुत्र होते हुए भी उसने क्रांति का गला घोंट दिया। नेपोलियन का सुन लो, नेपोलियन का नाम नेपोलियन बोनापार्ट, या लेस्की कहते हैं फासिज्म वाज अनवांटेड चाइल्ड ऑफ कैपिटलिज्म, फासीवाद पूंजीवाद का ही अनवांटेड चाइल्ड था। तो यहां कोई चाइल्ड बायोलॉजी की बात हो नहीं, ये सिंबॉलिक है, इसका मतलब समझ में आया। तो दोनों आइडियोलॉजी अपोजिट है, ये कहेगा कि ब्रिटिश रूल को जस्टिफाई करे, दिस आइडियोलॉजी इज टू जस्टिफाई ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दिस आइडियोलॉजी ये कहेंगे कि जो देश पश्चिमी लोग के देश क्योंकि सभ्य पहले हुए, आधुनिकता पहले आई, वैज्ञानिकता पहले आई, तार्किक सोच पहले आई, तो उनकी सोच से ये प्रकाशित होंगे अंधकार में रहने वाले बर्बर असभ्य लोग भी इनलाइटेड हुए। तो हमने ये था कि भारतीयों ने ब्रिटिश गुलामी की बेड़ियां कैसे तोड़ा, ब्रिटिश हथौड़ा, ब्रिटिश हथौड़ा क्या है, गुलामी की बेड़ियां तो समझ में आ जाती है अपने रजिस्ट्रेशन या कॉम्पोनेंट बैटल ऑफ प्लासी बैटल ऑफ बक्सर ये बैटल बैटल ये सब, तो हमें गुलाम बना दिया। अब गुलामी की बेड़ियां तोड़े कैसे, कैसे तोड़े, गुलाम तो बन गया, अब कैसे तोड़े इसको, हमारे पास तो कोई हथौड़ा था नहीं, उन्हीं का हथौड़ा से तोड़ना पड़ेगा। जो जो उन्होंने अपने फायदे के लिए इंट्रोड्यूस किया That we used for our benefit to promote nationalism. रेलवे उन्होंने अपने फायदे के लिए किया, व्यापार के लिए किया, लेकिन इसी से कांग्रेस का सेशन बन जाएगा, कभी मद्रास में, कभी कराची में, कभी लाहौर में, थोड़ा कभी दिल्ली में, कभी लखनऊ में, थोड़ा मॉडर्न एजुकेशन अपने लिए लाया, लेकिन इसने हमें भी जागृत किया, तार्किकता लाई, वैज्ञानिक सोच लाई। जब हम जागरूक होंगे, शिक्षित होंगे, तभी तो देखेंगे ना कि दोहरा मानदंड अपनी मदर कंट्री के लिए बहुत अच्छा, सिविल लिबर्टी, डेमोक्रेसी, लिबर्टी सब कुछ, पर हमारे लिए ठीक उल्टा, दोहरा मानदंड। और उनके आने का कारण हमारा कोई भला करना नहीं है, बल्कि हमारा आर्थिक शोषण करना है, सुनना। तो ये दोनों विचारधारा ऐसे टकराएंगे, कौन जीतेगा, नेशनलिज्म जीतेगा, 1757 में तो नहीं जीता, बैटल ऑफ प्लासी में 1764 में जीता, 18वीं शताब्दी में भी जीता, 19वीं शताब्दी में भी नहीं जीता, 20वीं शताब्दी के मध्य में लगभग 47 में, तो इतना लंबा समय क्यों लगा, शुरू में जीत जाता 19वीं शताब्दी में, क्योंकि जब विचारधारा प्रमोट ज्यादा होगी, ज्यादा क्षेत्रों में, ज्यादा वर्गों में, तो ज्यादा जन समर्थन होगा, तो प्रभावी होगा। जब मुट्ठी भर लोग नेशनलिज्म को मानेंगे तो प्रभावी होगा, मजबूत होगा। ये लोग कहते हैं ना, अरे गांधी से तो चूहा नहीं लगता,
गांधीवादी से आजादी कुछ नहीं, तो भगत सिंह के कारण सही है। गांधी क्या उनसे तो चुहारी रहता, इंसान इंसान का क्या हो, क्या हो? गांधीजम है, सुना है गांधीवाद, और भगत सिंह इज्म है, क्यों? एक व्यक्ति के नाम पे गांधीवाद, दूसरे के नाम पे वाद नहीं आ रहा है क्यों? सुभाष चंद्र बोस वाद नहीं, ये उनका मेन कारण क्या है यहां आने का? आर्थिक शोषण का। उस मेन कारण को सिर के बल कौन खड़ा करेगा? जब करोड़ों लोग स्वदेशी और बहिष्कार करेंगे तब, या कुछ मुट्ठी भर लोग उनको मारेंगे तब? जब करोड़ों लोग स्वदेशी और बहिष्कार करेंगे, उनके आने के मूल कारण को सिर के बल खड़ा कर देंगे, उलट देंगे, वरना कुछ अधिकारी को मार दिए सही तो कितने क्यों है? उनके आने का मुख्य कारण उलट नहीं रहा, उनके आने का मुख्य कारण उलट कौन पा रहा है? गांधीवाद या भगत सिंहवाद? पहले तो भगत सिंहवाद को यह विचारधारा है, विचार हर व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन हर विचार, हर व्यक्ति के विचार विचारधारा का रूप नहीं हो सकती। नहीं तो मैं बोलूंगा कि नहीं नहीं गांधीवाद है तो मैं भी रख लेता हूं, मेरा भी नाम उज्ज्वल है तो उज्ज्वलिज्म कर लेते हैं, उज्ज्वलवाद। हर व्यक्ति का विचार है, हर व्यक्ति का स्वतंत्र विचार है, नहीं तो हर व्यक्ति के विचार को विचारधारा हो जाएगी। Unless there is organized political action based on that set of ideas, it is not qualified to be called ideology. जब तक व्यापक जन समर्थन ना जुटे उस विचारों पर, तब तक मार्क्सवाद है, लेनिनवाद है, गांधीवाद है, समझना है? तो विचारधारा का प्रयोग, तो जो जो चीजें उन्होंने ब्रिटिश हथौड़े से तोड़ दिया, मतलब जो चीजें उन्होंने अपने लिए इंट्रोड्यूस किया था अपने फायदे के लिए, वो हम लोगों ने अपने इसके लिए किया ताकि राष्ट्रवाद। लास्ट में ये टॉपिक वाइंड अप कर देते हैं, जो राष्ट्रवाद बढ़ने के कारण क्या क्या थे? सिर्फ आर्थिक कारण थे, सिर्फ टेक्नोलॉजिकल कारण था, या भाषाई कारण भी था, सांस्कृतिक कारण भी था, धार्मिक कारण भी था, नस्लीय कारण भी था, प्रशासनिक कारण भी था, क्या था? राष्ट्रवाद होते थे। ये लास्ट टॉपिक है, जहां वाद लग गया, इज्म लग गया, वो विचारधारा, विचारधारा, धारा क्या होती है? विचारधारा जिसमें एक दिशा हो, यानी कि एक कण इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, कैंसिल कर दे रहा है, दिशा ही ना हो, सभी विचारों में एक दिशा हो और कोहेरेंस हो और मास मोबिलाइजेशन के लिए हो। गांधी कहेंगे मेरा चेहरा बहुत अच्छा है, पूरी समर्थन करो, कितने लोग समर्थन करेंगे? कितने लोग करेंगे? नहीं कर रहा। कहेंगे कर मेरा विचारधारा ये है राष्ट्रवाद, गांधीवाद, तब तो व्यापक जन समर्थन जुटेगा। तो व्यक्तिगत आधार पर राजनीति में जन समर्थन नहीं होता। मोदी कहेंगे मेरा दबाव दाढ़ी अच्छा है तो लोग सपोर्ट दे देंगे, जन समर्थन देंगे। क्या बोलेंगे मैं काला धन लाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, ये हमारे विचारधारा राष्ट्रवाद करूंगा, तब तो विचारधारा के आधार पर व्यापक जन समर्थन जुटता है, ना कि व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारण से सीमित होता है, जैसे अमिताभ बच्चन कहेंगे, आमिर खान कहेंगे, तो उसका सीमित प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यानी कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इसका सीमित व्यक्तिगत कारण से, करिश्मा से सीमित जो है समर्थन जुड़ता है, लेकिन विचारधारा से व्यापक। और राजनीति में किसका प्रयोग होता है? विचारधारा। तो भारत में राष्ट्रवाद बढ़ने के क्या क्या कारण थे? ऐसा नहीं कि राष्ट्रवाद शुरू होगा तुरंत फैल जाए, टाइम लगे, नए नए क्षेत्रों में पहुंचाना, लोगों को जागृत करना, शिक्षित करना, जन समर्थन जुटाना, मुख्य धारा में लाना, उनमें विचारधारा, राष्ट्रवाद की विचारधारा इंकल्केट करना,
तब जाके 1942 में अंग्रेजों को भी लगेगा कि हमारे दिन अब कुछ कमी रह गए। उससे पहले उनको लगता था कुछ भी कर ले, इंडिया ने विरोध कर ले, हमारे पास ताकत है और ताकत के दम पर हम कुचल सकते हैं। 1942 में जब राष्ट्रवादी चरम सीमा पर पहुंच गया, उसकी जो ताकत में जो आर्मी मैन है जो भारतीय, वो आपको रिलायबल नहीं है, वो ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे, तब उन्हें लग गया कि अब ताकत हमारा भ्रष्ट हो गया, तब हमें हमारे दिन कुछ रह गए हैं, हमें जाना पड़ेगा। तो राष्ट्रवाद बढ़ने के क्या क्या कारण है? कम्युनिकेशनल कनेक्टिविटी, यातायात संचार के माध्यम में वृद्धि, दूसरा अर्बन इंटेलिजेंसिया, शहरी पढ़े लिखे लोग जो मुख्य लीड करेंगे, तीसरा मिशनरी एक्टिविटी, मिशनरी से सबको असुरक्षा की भावना के साथ क्रिश्चियन बना देंगे। जब असुरक्षा की भावना, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, जब सब में असुरक्षा की भावना आएगी, ये क्रिश्चियन हमें बना देंगे। तो असुरक्षा की जिनमें भावना आएगी वो साथ आएंगे। कॉमन विक्टिमाइजेशन, अगर समान रूप से पीड़ित है, हम भी पीड़ित है, ये भी पीड़ित है, तो दो सारे पीड़ित साथ आएंगे इसके विरुद्ध, कॉमन एनिमी के विरुद्ध। ये एलियन रूल, कभी वो भारत में बसे नहीं, भारत को अपना माना नहीं, भारत सिर्फ वो फॉर्चून बनाने आते थे, भारत के मामले में उनका बहुत निगेटिव रवैया था, दुनिया भर में अंग्रेज बस गए, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में, भारत में नहीं बसे। क्यों? उनका भारत के लिए बहुत निगेटिव परसेप्शन था, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ लायर्स, झूठे लोग का देश है, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ र्यूमर्स, अफवाहों का देश है, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ सर्पेंट्स, सफेदों का देश है, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ हाइपोक्रेट्स, ये हिपोक्रेट्स लोगों का देश है, यहां सिर्फ खून पीना आया बसना है उनका। तो ये रेसियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्ली आधार पर भेदभाव करते थे, इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। तो ये कैसा लगेगा भारतीयों को सुन के कि इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड, मतलब ऑल इंडियंस आर पिग्स, सभी भारतीय सुअर हैं, कैसा लगेगा भारतीयों को? चाहे किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी क्षेत्र के हो, किसी भाषा के हो, सबको ऑफेंडिंग फील होगा, बुरा लगेगा, विक्टिमाइजेशन होगा। तो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित, हिंदू हो या मुस्लिम, मलयाली हो चाहे हिंदी स्पीकिंग, सब एक साथ आएंगे। तो सिलेक्टेड भी थे, यदि मलयाली अच्छे हैं ये खराब है तो नहीं थे, सब खराब, सब इंडियन डॉग्स। Those who will be victims of British imperialism will come to it. समझ में? फिर justification of imperialism exploded, samrajyavad ka justification explode ho gaya, samrajyavad manta tha ki bhai hamare hum to ajay hain, ajay jante hain kya hota hai, pe hum haraye ja sakte, hum ajay hain, white race ke hain, hum swet nasl ke hain, to kale log hain, hum to kabhi haar hi nahi sakte। To phir Boer swarm mein kyon haar gaye? इथियोपिया ने कैसे इटली को हरा दिया? रशिया जैसा छोटा एक एशियाई देश, बड़े यूरोपीय देश से रशिया को कैसे हरा दिया 1904 में? तो उनका खोखला दावा उजागर होने से और इंबोल्डन होंगे राष्ट्रीयता। जापानीज विक्ट्री ओवर रशिया, यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने अपने फायदे के लिए सबको एक एक करके जीता और एक छतरी के अंदर लाया, एक प्रशासनिक छतरी में लाया, एक समान कानून का शासन लागू किया। लेकिन इस एक छतरी में रहने का हमारे लिए एक होने की भावना, नेशनलिज्म इज व्हाट, फीलिंग ऑफ ओनेस, साइकोलॉजिकल बॉन्ड। तो उन्होंने अपने फायदे के लिए किया। पहले क्या था? लेटर मुगल्स आलम टू पालम, नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ बंगाल, निजाम ऑफ हैदराबाद, मराठास, मैसूर, सब अलग अलग तितर बितर थे, तितर बितर थे, फ्रेगमेंटेड थे। लेकिन उन्होंने अपने फायदे के लिए एक साथ
जीता और सबको एक प्रशासनिक छतरी में लाया। तो एक होने का फीलिंग कब होता है? जब अलग अलग छतरी में रहे प्रशासनिक या एक छतरी में रहे, नेचुरल यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन। और रशिया में जब जापान जैसा छोटा एशियाई देश रह सकता, हम तो बड़े हैं, हम क्यों नहीं आ रहा सकता? पहले तो उदाहरण के लिए था लेने का कि एशिया वाले, भारतीय की बात छोड़ी, एशिया वाले तो ऐसे ही नीचे होते हैं, हम वाइट रेस सुपीरियर। वेस्टर्न आइडियाज ऑफ सेल्फ रूल एंड डेमोक्रेसी, जो पश्चिमी आइडिया है उसने हमें उजागर किया, शिक्षित किया, तो आर्थिक कारण भी है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, उनकी नीतियां जो आर्थिक नीतियां उससे कृषि क्षेत्र पीछे गया, औद्योगिक क्षेत्र पीछे गया, प्रति व्यक्ति आय कम हुई और हर भारतीय को आर्थिक शोषण का जहर पीना पड़ा, चाहे क्या वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी क्षेत्र का होगा। तो जब सब विक्टिम्स आ जाएंगे, जब कॉमन विक्टिमाइजेशन होता है तो सारे विक्टिम एक साथ आ जाते हैं। और लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, भारत को जोड़ने वाली भाषा कौन है? हिंदी या इंग्लिश? क्यों? हिंदी उत्तर भारत को जोड़ने वाली भाषा है, पूरे भारत को जोड़ने वाली भाषा क्या है? इंग्लिश। जिससे संवादहीनता कम होगी तभी तो एक होने की बात आ रही है, वरना सी रात को पला 40 तमिल में क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो गांधी और वो साथ काम करेंगे, और पटेल से बात करना है तो गुजराती सीखना पड़ेगा, सीआर दास से बात करना है तो बंगाली सीखना पड़ेगा, रानी केडलियू से बात करना है तो मणिपुरी सीखना पड़ेगा, केलप्पन से बात करना है तो मलयाली सीखना पड़ेगा। कितनी भाषा सीखेंगे? सीराज गोपालाचारी की बात पटेल को समझ में नहीं आ रही है, पटेल की बात गांधी को, नहीं गांधी पटेल तो की उनकी बात सीआर दास को समझ में नहीं आ रही है, उनकी बात केलप्पन को नहीं समझ में आ रही है, उनकी बात रानी केडलियू को नहीं समझ में आ रही है। भारत भाषाई आधार पर विविधता कितनी है? आज भी पूरे भारत में सिर्फ 40% लोग हिंदी बोल, पढ़ और समझ सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, साउथ इंडिया को कनेक्ट कौन करता है? संवादहीनता, कम्युनिकेशन गैप कौन खत्म करता है? जब संवाद ही नहीं हो पाएगा, बातचीत ही नहीं हो पाएगी, इन्होंने क्या बोला तमिल में कुछ समझ नहीं आया, तो एक होने का बोध आएगा क्या? इन्होंने बंगाली में क्या कहा कुछ पता ही नहीं यादव ने। तो एक होने का बोध कब होता है? जब संवादहीनता रहेगी या कम्युनिकेशन गैप खत्म हो और उसको कम कर दें। उन्होंने अपने फायदे के लिए इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, पर्सियन थी ना पहले, दिल्ली सल्तनत और मुगल के समय में ऑफिशियल लैंग्वेज कोर्ट लैंग्वेज पर्सियन हुआ करती थी, फारसी, फारसी जानते फारसी। तो लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश ये कम्युनिकेशन, तो ये क्या कारण हो गया? ये टेक्नोलॉजिकल कारण हो गया, ये जो है एजुकेशनल कारण हो गया, ये रिलीजियस कारण हो गया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हो गया, नेशनलिज्म बढ़ने के, ये रेशियल रीजन हो गया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हो गया, ये आइडियोलॉजिकल रीजन हो गया नेशनलिज्म बढ़ने के, ये एक्सटर्नल रीजन हो गया नेशनलिज्म बढ़ने के, ये अगेन आइडियोलॉजिकल एजुकेशनल रीजन हो गया, ये इकोनॉमिक रीजन हो गया नेशनलिज्म बढ़ने के, और ये लिंग्विस्टिक रीजन हो गया नेशनलिज्म। ठीक है, तो इसमें ये तो मेरा अपने नाम पर, आप लोग अपने नाम पर बना सकते हैं। ये 11 रीजन मैंने बताया नेशनलिज्म बढ़ने के, मान लो ये मेरा नाम है इससे मैंने बनाया, आप लोग अपने समझान से बना दीजिए, क्योंकि निमोनिक से चीजें आसान हो जाती है। देखिए एग्जाम इज ऑल अबाउट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन विद स्पीड एंड एक्यूरेसी, आप कितना पढ़ते हैं इससे एग्जामिनर को कोई लेना देना, आपने कितना मेहनत किया इससे कोई लेना देना, आपने एग्जाम में सटीक कितना लिखा इससे मतलब, और एग्जाम में सटीक कोई चमत्कार से नहीं होता है, टेक्निक से होता है। अगर आपके पास टेक्निक है, जैसे निमोनिक्स बेस्ड टेक्निक है, आर्ट ऑफ कोरिलेशन है, पिक्चराइजेशन है, कंटेक्चुअलाइजेशन है, चीजों को लिंक करने का
कॉन्सेप्ट है, तो वही सिलेबस आईएएस का आपको बहुत सिंपल लगेगा, कुछ भी नहीं। और अगर वो टेक्निक नहीं है तो फिर 10th क्लास का सिलेबस भारी लगेगा। सारी चीज तो टेक्निक पे ही बेस्ड है ना। कोई काम किसी के लिए बहुत आसान है, वही काम दूसरे के लिए बहुत मुश्किल। ऐसा नहीं उसमें हर कोई का ब्रेन समान, लेकिन जो स्मार्ट लेबर करते हैं सिविल सर्विसेज, ब्रैकेट सिविल सर्विसेज इज अ मैटर ऑफ स्मार्ट लेबर, नॉट प्लेन लेबर। लेबर क्लास नहीं चाहिए, वरना रिक्शा कूलर आपसे ज्यादा मेहनत कर सकता है, बन जाएगा। प्लेन लेबर नहीं चाहिए, स्मार्ट लेबर चाहिए। और स्मार्ट लेबर का मतलब सिर्फ समान बोलने से नहीं हो, टेक्निक्स, अप्रोच, राइटिंग स्किल, टाइम मैनेजमेंट, क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच, पिक्चराइजेशन। आपने कोई अमिताभ बच्चन की फिल्म 10 साल पहले की देखी, अभी आपको स्टोरी याद है। और कोर्स की बात अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, वक्त किया कोई पूछो होता था उसे, तो उसको अमिताभ बच्चन का कैरियर, उससे तो आपका कैरियर बनना, तो अपने कैरियर के साथ इतना इनजस्टिस और अमिताभ बच्चन के कैरियर के साथ इतना जस्टिस क्यों होता है? ऐसा लैक ऑफ पिक्चराइजेशन। तो कोई भी चीज आप पढ़ते हैं उसको पिक्चर उसी काल में चले जाए, फांसी जब पढ़ रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चले जाए उसका पिक्चर देखें, तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं, एग्जाम में समय से पलटने की जरूरत। और अगर पिक्चराइजेशन हो गया, टेक्निक्स हैं, कोई भी पॉइंट छूटने का खतरा नहीं है, आपने कितना भी पढ़ा अब एग्जाम में ये दो पॉइंट भूल गए, एग्जाम के बाहर निकले तो याद आया, तो ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तो एग्जाम में आपके मार्क्स नहीं ला रहे। भारत में अमेरिकन सिस्टम तो नहीं है ग्रेडिंग सिस्टम या एग्जाम सिस्टम, तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच लाना पड़ेगा। भारत में मेरिटोरियस किसको कहते हैं? जो एग्जाम में क्लिक कर जाए। कई लोग हो सकते हैं नॉलेज ज्यादा हो, एग्जाम लिखने की आदत, हमारे एग्जाम लिखने का कला नहीं, तो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच भी बहुत मायने रखता है। उसके लिए डीप टेक्निक, दिस इज वन ऑफ द टेक्निक, कोडिंग नॉट ऑल ओनली टेक्निक, ऐसे हमने कई डेवलप किया हुआ है ओवर 17 इयर्स, वी हैव डेवलप सो मेनी इनोवेटिव टेक्निक्स। और पर्पस इज टू सिंपलीफाई, अदरवाइज एवरीथिंग इज रिटन इन बुक्स। हर चीज में जो यार जो भी टीचर एक्सपर्ट्स बताते हैं वो सारी किताबों में है। सिंपलीफाई करना हम लोग का मेन था, कि कैसे चीजों को सिंपलीफाई करें और उसको तुम सिंपल वे में करो उसे, ताकि आप वो ग्रेस्प कर सके, रिटेन कर सके, प्रोड्यूस कर सके। इसमें कोई कारण नहीं समझ में आया, हिंदी में बता दो, संचार के माध्यमों में जब विस्तार होगा, जब पोस्ट, टेलीग्राफ, रेलवे सब में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तब एक होने का बोलेंगे। फिर आप इंटेलिजेंस के अंदर पढ़े, जब पढ़े लिखे लोगों का दायरा बढ़ेगा, शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे, तो वो लीड करेंगे नेशनल को। फिर मिशनरीज यानी क्रिश्चियन मिशनरीज जब एक्टिविटी बढ़ेगी, तो सबकी असुरक्षा की भावना आएगी, उन्हें डर लगेगा कि हमें क्रिश्चियन न बना दें, तो सब एक साथ आएंगे। फिर एलियन रूल, बाह्य शासन प्रकृति, उनकी शासन प्रकृति बाह्य अंदर में घुले मिलेंगे नहीं, बाहर को अपना मदर कंट्री नहीं बनाएंगे, हमेशा एक सेग्रीगेशन होगा, अलगाव होगा, तो उनमें एक होने का बोध होगा। फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अपने को उच्च रेस का मानना, भारतीयों को सुअर मानना, डॉगी मानना, उनको डेरोगेटरी कॉमेंट करना, उनको इंसल्ट करना, चाहे किसी जाति, किसी धर्म, किसी क्षेत्र को, सब एक और एकता की भावना है। यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेट छतरी, जस्टिफिकेशन ऑफ इंप्रिजन यानी साम्राज्यवाद का जो जस्टिफिकेशन है वो एक्सप्लोर हो गया, वो उजागर हो गया, कि हम तो हार ही नहीं सकते, हम तो आपके भले के लिए, सब झूठ, सब झूठ। किसने साबित कर दिया? दादा भाई बड़ोजी ने, जब पुस्तक लिखी किस तरह से ट्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, तो साबित हो गया तो हमारे भले के लिए है, अपनी मदर कंट्री इंग्लैंड के भले के लिए है, तो जाओ। और बोलिए हम तो हार ही नहीं सकते, हम तो अजय हैं, तो अजय हैं तो ऐसा साबित हो, इसलिए बाय का जापानी सूट। कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो पूछ, आगे सर समझ किसी को नहीं आया, और आपको समझ में आपको, तो ये जो है ये तैयारी इसमें इसमें हमेशा ये याद रखें, टेक्निक वाइज स्टडी, स्मार्ट लेबर करने की कोशिश कीजिए, लेकिन लेबर नहीं। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, सिविल सर्विसेज में कुछ भी पढ़ रहे हैं एक ही घंटे पढ़ रहे हैं, तो नॉवल की तरह नहीं पढ़ना है, पढ़ रहे हैं नॉवल की तरह, बड़ी कोई फायदा नहीं।
पढ़ने के मतलब आपके हाथ में पेंसिल मार्कर पे पेन होना चाहिए, अंडरलाइन कीजिए। किताब साफ सुथरा नहीं होना चाहिए मेरी नजर में। जिसका किताब साफ सुथरा है ना बहुत ज्यादा, वो बहुत गड़बड़ मामला है। किताब साफ सुथरा नहीं होना चाहिए, किताब में अपने लैंग्वेज में लिखिए, अपने ट्रक्स लिखिए, अंडरलाइन कीजिए। जब भी किताब साफ सुथरा है उसे स्टूडेंट का भारी मामला गड़बड़ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और कोई अपनी तरफ से पूछना चाहे एनीथिंग फील फ्री टू आस्क। नाउ ऑफिस इन क्लास भी है पॉइंट, अगर आपको आपको कोई स्पेसिफिक पूछना हो। ठीक, चलो ये था तैयार।